अस्सलाम वालेकुम। एटीवी लाउंज की एक और खूबसूरत एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। जनाब, ये पूरा जो मार्च का महीना है ना, इस पूरे महीने में सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो ये कि वुमेंस डे सेलिब्रेशन जो है सिर्फ 8 मार्च तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे मार्च के महीने में डिफरेंट NGOs, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट चैम्बर्स जो हैं वो कोई ना कोई एग्जिबिशन या कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे ये साबित होता है कि खवातीन जो हैं वो एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड भी हैं। देखिए, जहाँ पर नेगेटिविटी होती है वहाँ पर पॉजिटिविटी भी होती है, और बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस रोल को निभा रही हैं। मैं बात करना चाहूँगी एक और ऐसी साहिबा के मुतालिक जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद वुमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, जनाब समीना फाजल साहिबा, जिनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। पहले तो मैं कहना चाहूंगी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ग्रेसफुल लग रही हैं, कलर आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल। सेट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मैंने अभी आपसे पहले भी तारीफ की कि बिल्कुल मुझे बड़ा क्रिएटिव सा लग रहा है कि इतनी अपनी पाकिस्तानी चीज़ों को इस्तेमाल करके और आपने इतना अच्छा सा ये डिज़ाइन जो है ATV लाउंज का जो बनाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। आपने पहले तारीफ़ की थी ना, वो ऑफ एयर थी, मैंने सोचा कि ऑन एयर भी तारीफ़ करवा दूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी सबसे पहले आपसे कि ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास कि इस तरह का कोई चैम्बर बनाना चाहिए? बिल्कुल, देखें आइडियाज़ जब आते हैं तो चीज़ें भी बनती हैं। तो मैंने अपना बिजनेस जो है वो 1989 में स्टार्ट किया था। पिंडी इस्लामाबाद की पहली गारमेंट फैक्ट्री थी और मैंने बेबी गारमेंट से शुरू किया था, लेकिन फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है वो वेमन वेयर के ऊपर स्विच कर दिया, और फिर उसके साथ साथ मेरा अपना बुटीक भी था और बहुत सारी ख़वातीन को लेके मैं साथ चल रही थी कि मैं उनको काम देती थी करने के लिए। तो ये भी एक मेरा पैशन था, एक वेलफेयर की तरफ के ख़वातीन को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए कुछ ना कुछ उनको। तो मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया और फिर दिन ब दिन अल्लाह का शुक्र है कि जब बढ़ता चला गया तो मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा ख़वातीन हैं जो कि बिज़नेस कर रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम इन तमाम ख़वातीन को लेके साथ चलें। गो के मर्दों के चैम्बर्स तो बने हुए थे, वहाँ पर ख़वातीन भी जाती थी, लेकिन ख़वातीन को उस तरीके से जो है ना वो कोई सपोर्ट नहीं थी, जैसे कि वो कोई बात नहीं अपनी कर सकती थी वहाँ पर अपने बिज़नेस के हवाले से। तो तब ये मैंने फिर 2000 में आफ्टर 10 ईयर्स की स्ट्रगल के बाद जो है वो 2000 में इस आइडिया को मैं लेके चली और मैंने सोचा कि हम ख़वातीन के लिए एक वेमेन चैम्बर बनाते हैं, और फिर मैंने 2000 में इसके लिए काम शुरू कर दिया था। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी, और अब देखें मोर देन 1500 हमारे अपने पर्सनल हमारे वेमेन चैम्बर के मेंबर्स हैं, और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में अब वेमेन चैम्बर्स जो हैं वो बन गए हैं। तो बात ये कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव काम करना शुरू करें तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करता है। और फिर वैसे भी आप देखें कि 52% पॉपुलेशन ख़वातीन की है, तो अगर हम उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने साथ शामिल नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। और मैं देखती हूँ कि ख़वातीन में इतनी ज़्यादा सलाहियतें हैं, अल्लाह ताला ने इतनी मज़बूत जो है औरत को पैदा किया है कि वो घर बार भी अपना देख रही होती हैं, अपने बच्चों को भी तालीम दिलवा रही होती हैं और माशरे में एक अच्छे मुकाम से चल रही होती हैं, और उसके साथ साथ फिर आप देखें अगर वो कारोबार भी करती हैं तो उससे भी आप देखें अगर वो अपने कोई इनकम उनकी जनरेट होती है तो वो घर में ही खर्च करती हैं, बच्चों पे खर्च करती हैं, बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक ये सिलसिला जो है वो चलता चला जाता है, और फिर सबके पास होते हैं तो 24 घंटे ही हैं, तो आप उनको देखें किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली बैठ के गप्पे लगा के अड़ोस पड़ोस की बातें करने से बेहतर नहीं है गॉसिप्स। मैं तो कहना नहीं चाह रही थी, खबरदार नाराज हो गई थी। तो वो करने से बेहतर है कि हम कोई चीज़ें क्रिएट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। एक दूसरे मैम, अभी गॉसिप्स की बात हो रही थी, आपने कभी गॉसिप्स की हैं? जी जी। आपको पता ख़वातीन और गॉसिप ना करें, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन अब टाइम नहीं मिलता, आप यकीन करें कि अब जब से हम लोग इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं कि अब गॉसिप का टाइम ही नहीं मिलता।
और वो अपन ना जो है फैमिली गॉसिप्स का ना अदर पॉलिटिक्स गॉसिप्स का, तो काम में इतनी वही अगर काम में मसरूफ है तो फिर कहाँ टाइम मिलता है आपको। मगर फिर भी मैं मज़ा कैसे आता होगा गॉसिप से नहीं हो रही काम के दरमियान में चाय का जो वक्फा होता है उसमें भी गॉसिप नहीं होती। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। तो वो कैसी वाली होती है, अरे उसको देखा था कैसे कपड़े पहने हुए थे। नहीं अब तो मैं तो अब कपड़ों से बाहर हूँ, कपड़े कपड़ों के बारे में नहीं सोचती मैं तो बिजनेस से रिलेटेड और अदर एक्टिविटीज से गुफ्तगू होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सो मैम जैसे आप अभी हैं तो ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में भी उतने ही एक्टिव होते हैं, स्कूल कॉलेज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, फिर वही चीज आगे होते 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 उसी का ही नतीजा है कि आई वॉज वेरी एक्टिव इन माई स्कूल डेज और मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल हुआ करती थी। फिर मैं जब कॉलेज में आ गई तो फिर कॉलेज में भी मैं वो आपको पता है परफेक्ट बनाया होता है हर क्लास में एक, और मैं जो पाकिस्तान की फर्स्ट हॉकी की टीम थी उसमें आई वॉज प्लेइंग हॉकी जी। अख्तर रसूल साहब जो थे ना हॉकी प्लेयर जी, जी। बहुत मशहूर वो हमारे कोच होते थे, तो मैंने क्वीन मैरी से ग्रेजुएशन की तो वहाँ ही पे हमारी ये हॉकी की टीम बनी और बड़ा मज़ा आता था और बहुत हम इन्जॉय करते थे। तो वो मैं समझती हूँ कि वो जो एक होता है ना आपको कि बचपन में जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो बल्कि मैं सब पेरेंट्स के साथ भी ये शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों को जो है वो मना नहीं करने दिया जाए, वो जितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उनको आप फैसिलिटेट करें, उस वक्त आपकी पर्सनैलिटी बन रही होती है। तो वो तभी पर्सनैलिटी बनती है कि जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इस तरह के कामों में आगे बढ़ते हैं, तो वो फिर आप लर्न भी कर रहे होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो मैं जो यहाँ तक पहुँची हूँ वो मैं अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से, कि उन्होंने मुझे उस ज़माने में इतना फैसिलिटेट किया एजुकेशन के ज़माने में, तो मैं यहाँ तक पहुँची। और फिर मेरी शादी हो गई, मैं भी आई वॉज द थर्ड ईयर स्टूडेंट जब मेरी शादी हुई, तो उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हस्बैंड थे अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। वो मतलब मैं कोई एक्टिविटी भी करना चाहती थी तो उन्होंने कभी किसी चीज़ में मुझे ना नहीं की, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी जिसकी वजह से मैं आगे जो है वो बढ़ती चली गई। मैंने अपनी एजुकेशन भी कम्प्लीट की, मैंने अपना मास्टर्स किया। तो ये तभी है कि आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हों, पेरेंट्स की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली। तो आपकी बेटियां हैं जी? मेरी माशाल्लाह ऐसे ही हाइपर एक्टिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटियां भी माशाल्लाह से, मेरा एक बेटा है, बहू है, फिर मेरी चार बेटियाँ हैं वो भी माशाल्लाह जो है वो तमाम अपनी अपनी शोबों में। एक बेटी मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बेटी मेरी डॉक्टर है और PhD कर रही है आजकल ऑस्ट्रेलिया में। फिर मेरी एक बेटी जो है शी इज़ फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, NCA ग्रेजुएट है और अभी करंटली हमारे इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट भी हैं। अरे माशाल्लाह। और एक मेरी बेटी ने अभी ग्रेजुएशन NCA से किया है और शी इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड द मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो। तो आपने सभी घर में रख ली है, मतलब कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, जो चीज चाहिए घर में ही बना लो, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना और मैं जब ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, तो मेरी बल्कि एक बेटी तो बाद में पैदा हुई और छोटे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर था और मैं हर वक्त यही सोचती थी कि या अल्लाह ये मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं कि भाई जो है ना कल को, वरना लोगों ने यही कहना है, आपको पता है मदर्स को कैसे ब्लेम कर रहे होते हैं, अपने कामों में लगी हुई थी, बच्चों का तो पता ही नहीं था। तो मेरे बेटे ने भी अच्छी, उसने भी MS किया हुआ है, तो मतलब सारे बच्चे माशाल्लाह से अच्छा पढ़ लिख गए और अब आई एम सो कंफर्टेबल, आई एम सो ब्लेस्ड, अल्लाह ताला का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं। तो वही वाली बात है कि अच्छा फिर मैं आपसे एक और बात शेयर करूं कि जब बच्चे जो माएँ काम कर रही होती हैं ना उनके बच्चे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं, क्योंकि जाहिर है कि हर वक्त माँ तो साथ नहीं होती है लेकिन वो उनको गाइडलाइन कर रही होती है, उनके काम उनसे करवा रही होती हैं, तो बच्चे उनकी भी ग्रूमिंग हो रही होती है कि वो भी उसी तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक है। और आजकल तो आप देखें आने वाले वक्तों में तो घर में जब तक सब लोग ना कुछ पढ़ लिख के अपनी इनकम जनरेशन करें तो गुजारा भी नहीं है। सही बात है। और बच्चियाँ तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं और पढ़ाई में भी, अब तो आजकल आप पाकिस्तान में देखें कि ज़्यादा एजुकेशन में जो है ना वो लड़की हैं अच्छी उसमें जा रही हैं, तो ये बड़ा अच्छा है एक ट्रेंड।
और स्पेशली अगर बच्चियाँ पढ़ लिख जाएं तो वो अगर बिज़नेस की तरफ आएं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि आपने एजुकेशन करके तो अपनी जॉब्स ही ढूँढनी है। तो और हमारा चैम्बर तो इस सिलसिले में यही है कि ख़वातीन को मोटिवेट कर रहा है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम लोग जो है हमारे MOU साइन हुए हैं, वहाँ पे जो यंग गर्ल्स हैं उनको मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाते हैं, और जो हमारे चैम्बर की सक्सेस स्टोरीज हैं वो शेयर की जाती हैं उन लोगों से। तो इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें जो है वो। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह से आप बहुत एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, और मतलब ऐसी ख़वातीन कम होती हैं। एज अ वर्किंग वुमन घर को कितना टाइम दिया आपने, कैसे दिया, कैसे मैनेज किया? जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपसे बताया कि मैंने 89 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, और मेरे बच्चे सब छोटे थे, देवर इन द यू नो स्कूल गोइंग थे। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो मेरी पुरानी जो थी वो एक अपनी एक्टिविटीज़, और आई वॉज सो कि हर काम को टाइम पे कर लेना, आपको पता है 24 घंटे हर बंदे के पास ही 24 घंटे हैं, तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो टाइम की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने सही मानों में अपने टाइम को मैनेज करना सीख लें तो मैं नहीं समझती कि आप कुछ ना कर पाएँ। तो मेरा यही था कि मैंने अपने तमाम कामों को जो है अपने घर को, हस्बैंड को, बच्चों को भी, तमाम लोगों को जो है वो फुल टाइम भी दिया, और अपनी मैंने हाँ ये है कि जब कोई खातून अपना काम, बिज़नेस या कुछ करना शुरू कर देती है तो अगर वो सुस्ती करेगी तो फिर कुछ नहीं होगा। मैंने अपना नींद सब जो था ना वो सब ख़त्म कर दिया था, ये बस सिर्फ काम और फैमिली, इन दो चीज़ों को मैं आगे लेके टाइम मैनेजमेंट किया, तो अल्लाह का शुक्र है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक मेरे ख्याल में। मैं हमेशा टाइम पे होती हूँ, टाइम को मैनेज करती हूँ, और तो मैम जो अच्छा लगता है। जो दरमियान में एक आती है ना उलझन ख्वातीन के लिए, वो होती है किचन के मसाइल। जी जी जी, तो वो किचन के मसाइल आपने किस तरह से हैंडल किए? देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे पास हमेशा कुक भी रहा। अच्छा। जो है मेरे पास फुल टाइम एक कुक होता था, एक चला गया तो दूसरा आ गया। अमीर थी आप कुक्स में बिल्कुल। आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मेरे पास जो मेरा कुक था वो मेरी अम्मी के घर का था, तो वो सब कुछ सीखा हुआ था। मुझे अपने किचन का कुछ ऐसा पता नहीं होता था कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, और मेरे हस्बैंड भी बड़ी सपोर्ट करते थे, वही उसके साथ मिलके सब किचन को भी चीज़ें लानी करनी देख रहे होते थे। लेकिन ऑब्वियसली एक माँ के लिए तो किचन में जाना ज़रूरी है जी। अगर आपके बच्चे हैं, आपने सुबह उठ के मतलब ये सारी चीज़ें आप कुक्स पे तो नहीं छोड़ सकते ना, जब तक आप खुद एक्टिव नहीं होंगे, सुबह उठे हैं, आपने ब्रेकफास्ट देना है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, तो मतलब मैं बिल्कुल फुल टाइम मैं भी उसी तरीके से किचन में इन्वॉल्व रहती थी, गो कि खाना वही पकाता था और अभी अल्लाह जन्नत नसीब करे 2 साल हुए हैं उसकी डेथ को, तो बस समझ लें कि बहुत परेशानी है, खाना खाने को दिल ही नहीं करता। जब आप ख़ुद बना रहे हो फिर उसके बाद कहाँ जो है वो आपका खाना खाने। लेकिन मेरी बहू माशाल्लाह से उसने भी बहुत अच्छा खाना वगैरह बनाना सीख लिया है, आता भी था, अभी और ग्रूम्ड हो गई हैं तो वो बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, तो बस फिर गुजारा चल रहा है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो वैसे आप खुद, आपकी कोई स्पेशलिटी है, कुछ होता है ना कि कोई निहारी बहुत अच्छी बनाती हैं या बिरयानी एक्सपर्ट होती है, तो ऐसी कोई आपकी स्पेशलिटी? मैं तो जो है ना कढ़ी चावल बहुत अच्छे बना लेती हूँ। अच्छा जी, और उसके अलावा जो चिकन कढ़ाई भी अच्छी बना लेती हूँ, और ये सब चीज़ें मैंने भी सीखी हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत खुश खुराक थे। अच्छा। तो फिर उनकी वजह से ये मैंने सारा कुछ सीखा। हलीम बहुत अच्छा बना लेती हूँ, निहारी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, तो सब जितनी भी डिशेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मैं बना लेती हूँ। वैसे जो आपकी पर्सनालिटी अभी हमारे सामने है उसको देखते हुए मैं समझ रही हूँ कि आपकी अपनी बहू से भी बड़ी अच्छी दोस्ती होती होगी है ना, मतलब एक होता है रिलेशनशिप होता है। मेरी जो बहू है माशाल्लाह आयशा, वो बहुत अच्छी, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, शी इज़ वेरी ओबीडियंट, और मैंने भी उनके साथ ना बिल्कुल सासों वाला नहीं रखा हुआ, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, मॉडर्न सास। हाँ बिल्कुल, आजकल की पता है आपको बच्चियों को अगर आप थोड़ा उनको इंडिपेंडेंट कर दें मतलब आप अपने जो फैसले हैं उनके ऊपर इम्पोज ना करें ना,
तो मैं समझती हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है, जो बहुएँ होती हैं ज़ाहिर है कि देखें वो भी पढ़ी लिखी हैं और वो भी चाहती हैं कि वो भी इंडिपेंडेंटली कुछ करें, आना जाना, घूमना फिरना, अपनी मर्ज़ी से कुछ पकाना। तो इन चीज़ों में अगर आप इंटरफेयर ना करें ना, तो फिर बड़ी सुखी ज़िंदगी गुजरती है उनकी भी और आपकी भी। क्योंकि वैसे भी देखें आपने अपना, मैंने तो क्योंकि मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे तो मैंने बहुत इंडिपेंडेंटली मैं रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से घूमे फिरे खाया सब कुछ मैंने जो है ना अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली किया। तो ये भी एक वजह है कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने फ़ैसले अपनी बहू के ऊपर इम्पोज करूँ। तो इस वजह से भी हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है माशाल्लाह, और अच्छा टाइम गुजर रहा है। तो सब खवातीन को बल्कि ऐसे ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि आप काफ़ी फ्रेंडली नेचर की हैं माशाल्लाह से, तो वो आपके रिलेशंस भी उसी तरीके से होंगे और ऐसे अच्छा भी लगता अच्छा है, अच्छा भी लगता है। हर बंदे की देखें ज़िंदगी है, मुझे ये नहीं समझ आती कि हर शख्स की अपनी एक ज़िंदगी है, तो उसकी ज़िंदगी में हम क्यों इंटरफेयर करें, अपने फ़ैसलों को क्यों हम इम्पोज करें। वो जैसे मेरी एक छोटी बेटी है तो माशाल्लाह से उसने अपना ब्यूटीशियन का भी कोर्सेज वगैरह भी किए हैं, तो बस उसको अगर हम कभी कोई रोक टोक करें तो वो फ़ौरन नाराज़ हो जाती है। तो वो मैं ये भी लर्न फिर मैं करती हूँ कि देखें हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, तो जब हम किसी को कुछ भी कहते हैं तो अपने बच्चे नहीं पसंद करते तो फिर जाहिर है कि आप दूसरे लोग कैसे पसंद कर सकते हैं। आपने ऑन कैमरा कह दिया, देखेंगी प्रोग्राम फिर नाराज हो जाएंगी। मम्मी आप शिकायतें कर रही थी लाउंज में बैठ के। अब लाउंज में फिर देखें ना, अच्छी अच्छी बातें तो करनी है ना, हमने गपशप तो करनी है। बल्कि ये लाउंज जो है वो हमने कंफर्ट जोन फराहम करने के लिए ही बनाया है। यहाँ पे मैम सेनेटर्स पॉलिटिशियंस जो भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपके प्रोग्राम्स देखे हैं, बिल्कुल बड़ा शुक्रिया। मतलब उनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा जी, हम बड़ा उनको कंफर्ट जोन देते हैं। हम कहते हैं पॉलिटिक्स और इधर उधर की बातें तो होती रहती हैं, दिल के हाल जो है ना वो लाउंज में बैठ के डिस्कस हो सकते हैं। आप करें, बहू की भी शिकायतें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बहू की क्या शिकायत बल्कि करूं कि हमारा इतना अच्छा टाइम जो है वो गुजर रहा था, बल्कि बेटे से लड़ाई रहती है मेरी। अच्छा। जब वो उसको कुछ ना कुछ करता रहता है तांग, तो बल्कि उसको मैं डांटती हूँ, तो वो कहती है अम्मी मेरी हैं आप, और डांटती मुझे, उसको कुछ नहीं कहती आप। ये तो है, लेकिन खैर बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से देखने वाली जितनी खवातीन है उनको देख के लर्न करना चाहिए कि बहुत अच्छी आदत है और बहुत अच्छी बातें आपने कहीं। मुझे ये बताइए कि आप तो किचन में अब नहीं जाती, लेकिन वैसे आप खुद से क्या खाना पसंद करती हैं? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप मैम क्या खाना पसंद करेंगी लंच में, तो आप किस तरह के खाने प्रेफर करती हैं? देखें अगर मतलब काम करके बहुत थके हुए हों, जैसे अगर डिनर्स पे जाते हैं ना, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई सूप पी लूँ, उससे ज़रा आप ना एकदम से ना आप में एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और फिर सम टाइम्स जो है वो हम स्टेक हाउस पे चले जाते हैं तो वहाँ पे भी अच्छा, मतलब मेरी कोई ऐसी वो ख़ास नहीं होती है। मतलब मैं तो शुक्र करके मतलब जो चीज़ भी मिल, बस फिश मैं इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती, या मैं प्रॉन्स नहीं खाती, लेकिन उसके अलावा आप जो भी देंगे मैं बड़े शौक से जो है वो। मेरा ख्याल है आप फ्लेक्सिबल हैं हर चीज में ना, मतलब कोई नखरे वखरे नहीं है, जो आ गया खा लिया, जो आया मिल लिए, बिल्कुल खुशबाश में। जिंदगी देखे एक दफा जिंदगी इंसान को मिलती है, वो भी अगर आप सोचो में इफ बट्स में गुजार दें तो फिर बड़ा मुश्किल है, आधा टाइम तो इसमें गुजर गया, बाकी क्या रहा। मैम दो चीजें होती है ना, एक तो ये होता है कि आप जिंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी होती है आप जिंदगी जी रहे हैं। जी रहे हैं। तो आप माशाल्लाह जी रही हैं, गुजार नहीं रही हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। exactly, exactly. वैसे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ यूजुअली किचन में ज़्यादातर जो खवातीन बनाती हैं वो बनाती हैं, आजकल की जो खवातीन जो हाउसवाइफ हैं या इवन वर्किंग भी हैं, वो नूडल्स और इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि बच्चे भी यही पसंद करते हैं। तो आपके घर में भी इसी तरह की चीज़ें बनती होंगी? हमारे घर में बिल्कुल, मेरे बड़े बच्चे भी जो है वो हफ्ते में एक दो दफ़ा तो बेटियाँ बना लेती हैं, फिर वो आजकल मेरी बेटी आई हुई है, उनकी भी छोटे बेबीज हैं तो उनके बच्चों के लिए भी वो बनाती हैं, वो ज़रा कम मसाले वाले, लेकिन बनते रहते हैं बिल्कुल। ये तो मेरे ख्याल में आजकल तो बड़ा हर घर में ही जो है वो ये चीज़ें बन जाती हैं, और उससे फिर अच्छा क्या वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं बीच में डाल के, और अच्छी लगती है। लेकिन कुछ चलाक बच्चे हैं जो वेजिटेबल्स साइड में भी कर देते हैं, नूडल्स में चिकन खा लेते हैं, आजकल इस तरह का भी होता है। तो आप ये नूडल्स वगैरह आप बना लेती हैं? हाँ जी मैं बना लेती हूँ, बना ले। अच्छा, जो आपकी जो बाकी जानने वाली खवातीन है, जैसे होती है ना वन डिश पार्टी होती है, जी, जी, तो वो आपको कहती होंगी कि भाई ये चीज़ बना के लाना, तो वो यही कहती है कड़ी चावल बना के लाना? नहीं, वो कभी ऐसा, वैसे मैं एक दो दफ़ा हमारे ऑफिस में हम लोगों ने वन डिश की,
तो मैं बना के भी ले आई कि चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हर घर में ना इतनी फ्रीक्वेंटली बनती नहीं है। इसमें कम से कम भी आपके, मैं अगर 3 घंटे कढ़ी ना बनाऊँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसमें टाइम टेकिंग है और ख़वातीन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, तो इसलिए वो लोग ज़रा थोड़ा कढ़ाई है आप देखें जल्दी बन जाती है, चिकन कढ़ाई एज कम्पेयर टू कढ़ी वगैरह से ना। बिल्कुल जी। और कढ़ी का एक खास जायका होता है, वो दही जो है वो खट्टा होना चाहिए और इस तरह की जरा चीजें। एक दिन पहले आप लाके रखें, एक दिन पहले लाके रखें उसको आप बनाएं। और कढ़ी पत्ता जी, कढ़ी पत्ते के बगैर तो कढ़ी का वजूद ही नहीं है मेरा ख्याल है। कढ़ी अच्छा उसमें लगता है। मेरी एक मेंबर ही है, फ्रेंड है मेरी, उनके घर कढ़ी पत्ते का दरख्त लगा हुआ है, जो हर मैं 1-2 महीने बाद वो ढेर सारे पत्ते ले आती हूँ और सुखा के वो मैं रखती हूँ जी। तो वो हर खाने में वैसे जी, भी वो वैसे ही अच्छे लग सकता है। बिल्कुल, तो आपकी बिल्कुल। जो बेटियां हैं उन वो भी इसी तरह से आपकी तरह माशाल्लाह है, हाइपर एक्टिव हर चीज में जी, आगे किचन में भी आगे इधर भी आगे सब कर लेती हैं, इसी तरह से सब माशाल्लाह से वो इतनी उनकी ग्रूमिंग हो गई है कि वो ये सारे काम जो है वो कर लेती हैं। मैं जैसे अगर आपसे शेयर करूँ कि मेरी बेटी जो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, तो शी इज़ डूइंग PhD एंड प्लस ऑल द टाइम शी इज़ बिजी इन किचन। और मैं उसको डांटती हूँ कि तुम जो है ये खाने पकाने गई हुई हो या पढ़ने गई हुई हो। वो अक्सर उन लोगों के यहाँ गेट टुगेदर चल रही होती है, वो कहते हैं अब ये भी ना करें तो फिर अब क्या करें हम। तो मतलब सारे बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड बताऊं कि वो क्यों बना लेती हैं, कि जब मेरी मदर थी तो उनको कुछ खाना नहीं बनाना आता था। तो जो मेरे फादर थे, मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, तो मेरे फादर की जब पोस्टिंग हुई तो मेरी अम्मी को कुछ खाना नहीं बनाना आता था, तो उनको बहुत मुश्किल हुई और वो नानी से कॉल करके पूछती थी। तो फिर उस वजह से उन्होंने हमारी ऐसी ग्रूमिंग की, हालांकि हम घर में देखा कि सब नौकर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो पकवाती थी हमसे, बैठे बैठे में बताती थी ये डालो ये डालो। तो वही चीज़ को फिर मैंने भी कैरी फॉरवर्ड की और मैंने फिर अपनी बेटियों को तमाम चीज़ों में ट्रेन किया। और अब माशाल्लाह से वो जो है बहुत अच्छी कुकिंग भी कर लेती हैं एंड वेरी क्विक। अच्छी मतलब एक जो मेरी बेटियों में है कि दे आर ऑल क्विक, मेरी बहू भी और मेरी बेटी बहुत अच्छी बात है। इस तरह नहीं है कि वो मेहमान उठ के चले जाए और आपके घर का खाना ना पके। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आई एम सो हैप्पी। जिस तरह से आपने अपनी बेटियों की ग्रूमिंग की है, उन्हें खाना बनाना सिखाया, वैसे ही हमारे यहाँ भी एक सेगमेंट होता है खाना, जिसमें हम अपने हमारे जो शेफ हैं, शेफ तौकीर साहब, वो झटपट खाने बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल हाथ में तो उनके जादू है, क्या जायका है। तो आज जो है वो थाई फ्राइड नूडल्स सिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं और आप दोनों चलते हैं देश परदेश और जाके जरा ये रेसिपी देखते हैं और हम किचन में जरूर ट्राई करेंगे। और आप भी जाइए जरा देश परदेश कि आज जो ये नूडल्स बन रहे हैं क्या रेसिपी है, कितने मजेदार हैं। और फिर कहीं जाना नहीं है, वापस आना है, क्योंकि हम लाउंज में आपका इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ तौकीर, मेरे साथ हैं शेफ आबदीन का तल्लुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। और आज की ये खूबसूरत सी रेसिपी इन्होंने डिज़ाइन की है। मेरी इसमें फीडबैक ये है कि हमने इसको जो है बनाते हुए जो चीज़ें इसमें थोड़ी सी किक भी चाहिए होती हैं एज ए शेफ और एज ए जो भी इस टीम के हेड, मैं उन चीज़ों को डिज़ाइन करता हूँ। तो आज की ये बड़ी खूबसूरत रेसिपी, इसको आपने मिस नहीं करना घर में, आपने इसको लाजमी बनाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको बनाएंगे तो आप इसको इन्जॉय करेंगे और इंतहाई आसान सी रेसिपी। सबसे एक चीज़ें मैंने पहले आपको दिखानी है, सच करेगा नूडल दिखाइएगा। अच्छा, ये नूडल हम खुद बनाते हैं लेकिन बाजार से मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के नूडल है, जो आपने इनको बॉयल करके रखना, ठीक है जी। जब आपने इनको बॉयल करके निकालना है तो अक्सर ये है कि आप ड्राई रख लेते हैं, लेकिन अगर आप हो सके तो इनको हल्का सारा इनको ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद फिर ये कि ये टूटेंगे नहीं। इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं नूडल्स, ये हमारे अपने हमने अपने किचन में बनाए हैं लेकिन ये बाजार से मिल जाते हैं। एक ये चीज़ दिखा ली थी और दूसरा मैंने दिखाया था हमने इसमें ये चिकन 300 ग्राम हमने नूडल लिए है, उसके बाद 200 ग्राम हमने चिकन लिया है, चिकन ब्रेस्ट है। और इसमें आपने कोशिश करनी कि इसके साथ जो है ना बिल्कुल फैट ना हो और कोई इसमें बोन किसी किस्म की भी ना हो। अब देख रहे हैं कि हमने किस तरह से इसको छोटा छोटा करके हमने इसको चॉप किया है। अब ये चीज़ आपको दिखानी थी कि ये बड़ी जरूरी है ये चीज़ें हमारी। और हम जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो हम जो किचन में लोग काम करते हैं, हमारे हाथ जो है ना, हमने हर डिश के बाद उसको धोना भी है, फिर उसको काम करना, फिर हमने हाथ धोने हैं, तो हमारे हाथ इसी तरह से। तो अक्सर स्क्रीन पर लोग कहते हैं कि जी देखिए वो ग्लव्स नहीं पहने हुए, तो मैंने अब इनके साथ काम करने के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं ये रेसिपी बनाने के बाद फिर आपके हाथ धोऊंगा। अच्छा, इसके बाद हमने ये ली, उसको हमने मैरिनेट करना है। तो
अब देखिए खालिश शहद, अगर आप ये इस्तेमाल करनी है चीज़ें तो कंसारी से लेके आए और छीले। डार्क सोया सॉस, अच्छा सोया सॉस क्या, ज़रा ये देख लीजिएगा, एक मिनट लगा बता दूँ कि बाजार में बहुत किस्म के सोया सॉस मिलते हैं, डार्क भी हैं लाइट भी हैं, लेकिन आप देखिएगा कि आपने डार्क सोया सॉस वहाँ से लेना है जिसका सोर्स अच्छा हो। ससमी ऑयल ले सर 1 टीस्पून, और ये ज़बरदस्त चीज़ ससमी ऑयल, अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें तो ये इतनी खूबसूरत चीज़ है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना सिर्फ हमने यहाँ पे नहीं बनाकर दिखाने बल्कि इसके जो बेनिफिट्स हैं खासकर ससमी ऑयल के, जिसको आप तिल भी कहते हैं, तो तिल खाएं और तिल के साथ ससमी ऑयल भी यूज़ करें। वाइट पेपर है सर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ऑयल मैंने इसको, अब हमने इसको फ्राई करना है और उसके लिए हमने वेजिटेबल ऑयल लिया और उसको पहले से हमने गर्म करके रखा हुआ है, और लेकिन ये देखना कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि फिर ये जो है ये जो हमारा एकदम से जब इसको इसमें फ्राई करेंगे अगर ज़्यादा गर्म हो ऑयल तो फिर ये कि ये अगर सख्त हो जाएगा इससे। और हमने इसको एक मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि इसको बाद में हमें दोबारा सॉस में जब इसको करना है हमने मिक्स, तो तब भी इसने पकना है। अब जैसे हम निकालेंगे आप देखेंगे ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जी जी, हमने इसमें प्याज, बेल पेपर, 3% ग्रीन, रेड एंड येलो, वो हमने इसके साथ ही आपको हमने थोड़ा सा हल्का कर दिया। अब इसके बाद इसको हमने स्टेनर में डाल दिया है, डालने के बाद इसमें सारा जो ऑयल है वो इसमें से निकल जाएगा और इसी ऑयल में अब हम इसकी सॉस भी बनाएंगे। जी ये थोड़ा सा, अब मैं इसको छोड़ दूंगा ताकि ये पूरी तरह ड्रेन हो जाए, अब हम इसकी सॉस बनाएंगे। ये है जी गार्लिक पेस्ट, हमेशा की तरह हर शो में बताता हूँ कि आप ये चीज़ें इनको बना के घरों में जार में रख लिया करें, जल्द ही इसलिए वहाँ से निकालिए, बजाय इसके हर दफ़ा आप गार्लिक जिंजर या ग्रीन चिली वगैरह लेके आए फिर उसको चाप करें। अब डार्क सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस है जो हमने वहाँ पे इस्तेमाल नहीं की थी, और उसके बाद हानि है इसमें 2 टीस्पून ऑयस्टर सॉस, अगर असली मिले तो इसका जवाब नहीं चीज का, और ससमी ऑयल दोबारा से हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जो रेसिपी है जब आप घर में, तो ये रेसिपी हमने अपने जो VIPs के लिए हम बनाते हैं जब हमारे डेलीगेशन वगैरह आते हैं, और ये उनकी बड़ी फेवरेट डिश है, और चिकन पाउडर है, वाइट पेपर। अब ये देखा गया इसमें से आधी चीज़ें जो हमने इसकी मैरिनेशन में भी यूज़ किया था, रेड चिली सॉस आप बाजार से लें अच्छी रहें, लेकिन हम खुद अपनी बनाते हैं, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा ना जो तीखी ना हो, लेकिन आप देख रहे हैं हमने इसमें शहद डाला था, तो ये जब आप खाएंगे ना तो मेरा आपको जो मैं कह रहा हूँ कैमरे को आप देखेंगे टेस्ट में कि इसको क्या फ़र्क पड़ा इसको। जी ये लीजिए, हमने थोड़ा सा चीज़ों को ग्रीन ऑनियन और ब्रोकली, ये ग्रीन ऑनियन वो है, इससे पहले हमने ऑनियन ऐड किए थे जिसे मैं अक्सर शोर में बताता हूँ, जिनको हम अपनी पंजाब की जबान में कहते हैं पिखो वाले ऑनियन, तो वो जो पीछे लंबे लंबे वाले वो काट के। अब नूडल हमने पहले ही डाले हुए हैं, अब आपने सिर्फ इसमें ऐड करने हैं और इसे रोल करना है। वाह कितनी खूबसूरत मज़ेदार किस्म की, इसमें शहद भी है, ससमी से ऑयल भी है, इसमें जो हमारी जो बाकी इन्ग्रीडियंट्स हैं, उसके बाद ये जब आप बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों के लिए ये जैसे ना प्रोटीन भी इसमें है चिकन, इसको सिर्फ आपने रोल करना है
उठा लेना और सॉस अपनी जो हीट है वो बंद कर देना। आप हीट बंद करने के बाद इसी पैन में इसको 10 सेकंड आपने इसको उसमें पड़े रहने देना ताकि जो सॉस है प्रॉपरली इसमें जज़्ब हो जाए। अब ये तैयार है, ये मेरी वो रेसिपी है जो हमारी बड़ी पसंदीदा रेसिपी है। यहाँ पे हमारे पास जो लोग चाइनीज़ के भी हमें हमारे मेन्यू से जो चीज़ें मांगते हैं हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि जी आप इसको इंजॉय करें, खाएं, अगर पसंद आए तो हम इसको आपको चार्ज भी करेंगे। हमारे 100% जो लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं। ये इतने मज़ेदार किस्म की रेसिपी क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके सामने इसमें शामिल किए वो चीज़ें ज़बरदस्त किस्म की। तो ये आपकी आज की रेसिपी मेरी और आप दिन की जो खूबसूरत सी पसंदीदा रेसिपी है हमने आपसे शेयर की है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब आएंगे तो एक और चाइनीज़ रेसिपी आपके लिए लेके आएंगे मैं और आप दिन। तब तक के लिए मुझे और आप दिन को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। वेलकम बैक जनाब, आपने आज सीखे नूडल्स और क्या नूडल्स थे वो, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत ही लजीज होंगे क्योंकि शेफ़ तौकीर के हाथ में जो जायका है, जो जादू है, तो कमाल का ही है। मैम आपने ये जो अभी नूडल्स की रेसिपी देखी है, आप जाके बनाने वाली हैं आज? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बिल्कुल इसको ट्राई करूँगी। अच्छा, खवातीन में ये होता है ना कि जो भी नई रेसिपी हम देखते हैं फटाफट हम लोग उसको लिखते हैं, आज तो यही बनाने वाले हैं हम, तो यही बात। मैम कुछ बात करेंगे आपके चैम्बर के हवाले से कि इसका पर्पज़ क्या है, चैम्बर की कुछ डिटेल्स हमारे साथ आप शेयर करें, कैसे काम करता है ये? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि विमेन चेंबर हमने 2000 में स्टार्ट किया और इसमें बकायदा बल्कि हमने लॉ में अमेंड करवाया। इट वाज नॉट इन द लॉ कि आप सेपरेट विमेन चेंबर बना सकती हैं। पहले चेंबर बने हुए थे उसमें ख़वातीन भी थी और मर्द, लेकिन आपको पता है ख़वातीन के अपने कितने मसाइल होते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो आप सबके सामने बैठ के शेयर नहीं कर सकते समटाइम्स। तो इस वजह से हमने विमेन चेंबर बनाया कि वो ख़वातीन जो बिज़नेस कर रही हैं या करना चाहती हैं तो वो चेंबर की मेंबरशिप जब लेती हैं तो आप देखें पाकिस्तान में हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन, अब तो खैर ये कि बिज़नेस स्टडीज़ आ गई हैं, लेकिन जैसा कि जब हमने शुरू किया था या मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमें तो गाइडलाइन देने वाला कोई भी नहीं था, ना कोई इस तरीके से कोई, ना गूगल पर हम सर्च करते थे, ना कोई फेसबुक होती थी। तो इस वजह से भी ये ज़रूरी है कि ख़वातीन देखें, आप अकेली बैठी हैं, अपनी मर्ज़ी से आप सब कुछ कर रही हैं, लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या कर रही हैं। तो हमारा चेंबर इस्लामाबाद विमेन चेंबर जो है, अक्सर ख़वातीन आती हैं जिनको नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है, तो हमारा चेंबर जो है फ्री कंसल्टेंसी देता है, उन लोगों को बिज़नेस प्लान बना के देता है, देखता है कि उनमें क्या स्किल है, आपके पास कैपिटल कितना है। वरना अक्सर आप देखें ख़वातीन में कोई इंटरेस्ट तो होता नहीं है, अच्छा कहीं से पैसे मिले और उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब तक आपको किसी बिज़नेस की नो हाउ नहीं होगी, आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, तो आप किस तरीके से उसको, अक्सर आपने भी सुना होगा कि अभी जैसे कोई कपड़ों का कर रहे हैं काम तो 6 महीने बाद वो कहती अच्छा अब तो हम ज्वेलरी का कर रहे हैं, उसके बाद नहीं अच्छा अब हमने तो फूड का शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज़ के एक तो ना उनकी प्लानिंग होती है, ना उनकी कोई टाइम मैनेजमेंट होती है। तो जब ये चीज़ें आप ना उनको कोई क्वालिटी का पता होता है कि उन्होंने करना क्या है, जब तक आप अपने बिज़नेस का प्लान नहीं बनाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमारा चेंबर ये करता है कि ख़वातीन को बिज़नेस प्लान बना के देता है, फिर जो ख़वातीन आती हैं अगर उनको नहीं पता तो हम लोग टाइम टू टाइम अपनी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार हम लोगों के यहाँ हो रहे होते हैं, तो इस तरीके से भी आप देखें लर्न करते हैं ना, आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं, लेकिन जब आपको ज्वाइन करते हैं तो आपकी लर्निंग हो जाती है, आपकी हैंड होल्डिंग हो जाती है। और अब तो इतनी जो है इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं,
वो वुमेंस के लिए फ़ंड ले रही हैं, तो वो भी बिज़नेस डेवलपमेंट के ऊपर काम करवा रही होती हैं। तो इस तरीके से जो है चेंबर मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ काम करके लोगों को सपोर्ट कर रहा होता है, उनके लिए एक आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ तो देखें ख़वातीन जो काम कर रही हैं उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाती, तो लेकिन जब आप कहीं से कोई लर्निंग ले रहे होते हैं तो फिर आपका एक्सपोजर भी होता है। आपको मार्केटिंग के हवाले से हम वर्कशॉप करवा रहे होते हैं, आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से, तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा चेंबर काम कर रहा है। तो मैम जो आपके पास मेंबर्स हैं, आपने बताया अराउंड 1100, हाँ जी 1100 ख्वातीन हैं जो आपके साथ इस चैम्बर पे काम कर रही हैं। सो उन 1100 ख्वातीन का क्या प्रोफाइल है, मतलब आप उन्हें कैसे, किन बेसिस पे आप उनको रखती हैं और उनको काम बताती हैं कि ये करें? नहीं देखें, चेंबर के लिए मेंबरशिप लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नेशनल टैक्स नंबर हो। अच्छा, अब एक हमारे यहाँ अजीब ख्वातीन की सोच है, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो एट दैट टाइम मैंने अपना नेशनल टैक्स नंबर लिया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैक्स भी पे करती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि ख़वातीन में नेशनल टैक्स नंबर के हवाले से अवेयरनेस नहीं है। उस ज़माने में हमने अवेयरनेस दी, लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स अपनी NTN नंबर लिया, तो आज तक लोग दे रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये है कि देखें टैक्स तो अगर आप टेलीफोन इस्तेमाल करें उसमें भी आप टैक्स दे रहे हैं, आप घर की बिजली में भी दे रहे हैं, आप गैस में भी, तो ये एक सिर्फ सोच की बात है कि अगर आप टैक्स नेट में आ जाएंगे तो इसमें बुराई तो नहीं है बल्कि एक अच्छा है कि आपने कल को कोई प्रॉपर्टी लेनी है, आपने गाड़ी लेनी है, तो सब जगह आपको 50% जो है ना वो छूट मिल जाती है। अगर आपने 80,000 का टैक्स देना तो आपको 40,000, मैंने गाड़ी ली तो 80,000 उसका टैक्स था, तो जब मुझे पता चला कि उन्होंने कहा जी आप 40,000 आपको देना पड़ेगा, तो आई वॉज सो हैप्पी। तब से तो मैं सबको कहती हूँ कि फौरी तौर पे आप लोग नेशनल टैक्स नंबर लें, ये ज़रूरत है। तो हमारे चेंबर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक ये कि आप नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए आपका, और दो तस्वीरें हम लेते हैं और शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेते हैं, और बड़ी नॉमिनल सी हमारी फ़ीस है। मतलब मैं आपको बताऊँ जी, जिसमें आजकल आपका एक लोन का सूट भी नहीं आता, इतनी कम हमारी फ़ीस है। तो ये अगर मतलब आप 5,000, नो वी आर जस्ट टेकिंग जी 2,800 हमारी सालाना फीस है। आई वाज जस्ट किडिंग। और 1,000 रजिस्ट्रेशन है जो कि आप इजीली, लेकिन देखें उसमें आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप एक इदारे के मेंबर हैं, इतनी सारी ख्वातीन आपके जो है वो साथ हैं, और बल्कि हमने तो अपने चेंबर में एक क्लब बनाया हुआ है, हम क्लब की मेंबरशिप दे देते हैं कि वो ख़वातीन जब आती हैं तो देखिए ना लर्निंग भी होती है। आप एक जगह गए आपको कुछ नहीं पता, लेकिन जब आप वहाँ पे चलना शुरू किया तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आनी शुरू हो गई, तो फिर आप भी कल को अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की बहुत अब लोग कह देते हैं जी हम तो होम बेस्ड हैं। भाई देखिए होम बेस्ड बिज़नेस तो है ना, बिज़नेस का क्या मतलब है कि अगर आज आपने 10 रुपये कमाए हैं तो कल आप 12 रुपये कमाएँ, फिर आप 15 रुपये कमाएँ। अगर आप 10 रुपये ही कमाने बैठ जाएंगे तो दिस इज़ नॉट अ बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब है कि डे बाय डे इट शुड ग्रो आने वाले वक्तों में, और ये तभी मुमकिन है कि जब आपकी कोई लर्निंग होगी, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप जैसे हमारा चेंबर है तो बहुत सारी जैसे हमें इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो वो हम अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, हमारे मेंबर्स को फ़ायदा हो जाता है। तो इस हर ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना प्लस पॉइंट ही मैं समझती हूँ कि हैं। ये तो दिस इज़ द माइंड सेट कि जी क्या है कि अगर आपको 2,500-3,000 रुपया देना पड़ रहा है वो भी साल का, तो इसमें क्या बुराई है, साल में पता नहीं कितने आप इस तरह के पैसे, लेकिन यू फील कंफर्टेबल, आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप एक जगह बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, और फिर देखें आप लोगों से ही लर्निंग करते हैं ना। आप एक चीज़ बना के बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप लोगों के साथ मिल के चलते हैं तभी आपकी लर्निंग होती है। तो चेंबर का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप कंटिन्यू चीज़ों को लेके आगे चल रही हैं, तो इस तरीके से चैम्बर काम कर रहा होता है। तो मैम ये जो चैम्बर जहाँ है आपका प्रॉपरली कोई ऑफिस है जहाँ पे सारी ख़वातीन इकट्ठा होके काम कर रही हैं? नहीं देखें, सब ख़वातीन जो है वो अपनी अपनी जगहों पे बिजनेस कर रही होती हैं। कोई घर पे, पाकिस्तान में देखें ना होम बेस्ड कह देना बड़ा आसान है, सब हैं ही औरतें होम बेस्ड, बिकॉज आप इंडी इस्लामाबाद में देख लें, आप कराची में देख लें, द शॉप रेंट इज़ सो हाई,
कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो लोग घरों से बिज़नेस कर रहे हैं और अपने बिज़नेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे मुख्तलिफ जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो हम अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो जो है लोग उसको अवेल करते हैं। हम तकरीबन कोई सन 2010-11 से जो है गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, हमें कोई डिस्प्ले सेंटर आप बना दें ताकि पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी की बल्कि पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें। आप देखें कि सारी एम्बेसीज इस्लामाबाद में हैं, तो जब अगर इस तरह की चीज़ कोई बन जाएगी तो उसमें कितनी ख़वातीन को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बस गवर्नमेंट की अपनी मर्ज़ी है, देखें जो है वो कब ये चीज़ों को करते हैं। इसी तरीके से आप देखें इस्लामाबाद में कोई ख़वातीन की मार्केट नहीं है। अभी रिसेंटली हमने शेख रशीद साहब से डिमांड की थी, उनसे मीटिंग की कि हमें यहाँ इस्लामाबाद में कोई ख़वातीन की एक मार्केट, ख़वातीन बाज़ार जो है बना के दिया जाए। तो अब उन्होंने जो है F10F11 में ख़वातीन का एक बाज़ार बनाया है। तो अभी जो है वो शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन चलें गवर्नमेंट ने कुछ तो किया, तो आई एम सो हैप्पी कि वो ख़वातीन जो होम बेस्ड है, जगह नहीं है तो कम से कम वो वहाँ बैठेंगी तो अपना बिज़नेस को लेके आगे चलेंगी। तो इस ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। तो मैम वो जो जगह आप बता रही हैं, क्योंकि इस वक्त हमें बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो देख रही हैं, तो जो जगह आपका आपने ज़िक्र किया है तो वहाँ कुछ रेंट वगैरह देकर ख़वातीन ज्वाइन करती हैं? जी जी बिल्कुल, अभी तो उन्होंने एप्लीकेशंस मांगी हुई हैं और बहुत ख़वातीन ने एप्लीकेशंस जमा कराई हैं और उसका जो है 500 पर डे रेंट है। और मेरे ख़्याल में अभी सैटरडे और संडे को वो मार्केट जो है उसको खोलेंगे। अच्छा। और फिर देखें अगर जब इस तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी तो वो पूरा हफ़्ता, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि अगर पूरा हफ़्ता खोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल होगा, बिकॉज़ कि किसी भी खातून के पास इतना फुल टाइम नहीं होगा अपने 7 डेज़ अ वीक जो है वो मार्केट में बैठ सके। तो सैटरडे संडे इज़ वेरी यू नो गुड टाइम कि आप चलें अपना जो आप सामान तैयार कर रहे हैं उसके बाद आप सैटरडे संडे को मार्केट में ले आएं और आप जो है उसको बेच दें। तो मैम होम बेस्ड जो बिज़नेस हैं उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या आइडियाज़ हैं? देखिए होम बेस्ड बिज़नेस तो तमाम ही होम बेस्ड बिज़नेस हैं। कोई आटे में नमक के बराबर ख़वातीन होंगी जिनकी फैक्ट्रीज़ होंगी या बड़े उस पर लेवल पर भी कर रही हैं ख़वातीन, तो होम ज़ाहिर है ज़्यादातर ख़वातीन घर से काम कर रही हैं ना। जैसे अगर कोई एम्ब्रॉयडरी करवा रही हैं तो वो ख़ुद तो नहीं कर रही, ऑब्वियसली आगे उनके वर्कर्स हैं दूसरे शहरों में हैं, उनसे वो करवा रही होती हैं। तो इस तरीके से मतलब चीज़ों को वैसे बस होम बेस्ड कह रहे हैं, लेकिन ये कि बिज़नेस तो बिज़नेस है, मैं इस पर नहीं फोकस करती कि सारी ख़वातीन ही घरों से काम कर रही हैं, लेकिन सब अपने अपने बिज़नेस को अच्छा लेके चले। हमारे जैसे चेंबर में हमारी जो पिछली फॉर्मर प्रेसिडेंट थी उनके मोर देन 250-300 उनकी लेबर है उनकी जो कि काम कर रही है। उससे पहले हमारी जो मेंबर हैं प्रेसिडेंट थी फॉर्मर, दो दफ़ा रह चुकी हैं, वो अपना CNG स्टेशन एंड पेट्रोल पंप चला रही हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी ख़वातीन जो हैंडीक्राफ्ट का काम, उन्होंने 100-100, 200-200 वर्कर्स के साथ काम, तो मतलब इस तरीके से है। अब जो हैंडीक्राफ्ट का है तो वो घर पे भी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने इतने सारे आउटलेट, मतलब पर्सनल आउटलेट नहीं है लेकिन उन्होंने ना स्पॉट्स बनाए हुए हैं, तो अपना सामान उधर वो देती हैं और वो बड़ा अच्छा बिकता है। तो हमारे चैम्बर में माशाल्लाह हर तरह के बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनिक के हैं, एजुकेशन में हैं, हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, अभी हमारी करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो अपना बड़ा अच्छा टेक्सटाइल का चला रही हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो वो कंसल्टेंसी, हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो अपना फूड का, उन्होंने फूड का एक एटेरिया के नाम से अपना बनाया है, एक रेस्टोरेंट बनाया है, तो उनका भी बड़ा अच्छा चल रहा है। हर तरह के काम, वही ना ख़वातीन में एक जोश है, एक हैंड होल्डिंग है, एक दूसरे को देख के सीख रही हैं, लर्न कर रही हैं, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले वक्तों में तो ये जो 50% पॉपुलेशन है ये सही मुझे नज़र, मुझे जो एक मुस्तकबिल ख़वातीन का नज़र आ रहा है वो बड़ा एक रोशन नज़र आ रहा है, जिस तरीके से लोग जो है ना मतलब आगे बढ़ रहे हैं।
शौक से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो बड़ा बहुत अच्छा अच्छी बात है। तो मैम आप खुद इतना मसरूफ़ होती हैं, तो कभी अपने लिए मी टाइम निकाला है आपने? एक होता है ना मी टाइम, बस ये मेरा टाइम है, इसमें मैं म्यूज़िक सुनूं, मैं कोई किताब पढ़ूं, कोई मूवी देखूं। जी बिल्कुल, मी टाइम भी होता है, और मुझे तो जो है ना वो म्यूज़िक अच्छा लगता है। गाड़ी में हमारे, आप देखें, मैं हर वक्त म्यूज़िक चल रहा होता है, और एक ज़माने में मुझे म्यूज़िक गाना भी अच्छा, मतलब मैं गाना भी अच्छा अपना गा लेती थी। मेरे अपने बड़े भाई के साथ हम कोई डिनर वगैरह पे इकट्ठे होते थे तो हमारा म्यूज़िक का प्रोग्राम होता था कि गाने शाने बड़ा तो थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए ना हमारे भी लाउंज में। अब तो मैं बस, अब मैं तो जब गुनगुनाती हूँ तो मैं बस ये गुनगुना देती हूँ कि दिल दिल पाकिस्तान जान जान। लेकिन फिर भी इतना जब आपको लगाव रहा है, सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सुनना बहुत अच्छा पसंद है, वैसे गाना नहीं पसंद? बस वो इस तरह का कोई माहौल हो, कोई गजल नाइट हो, कुछ हो। मैम आप माहौल बना के आपको गाएंगी, हम अगर आप बताती हैं बैंड वैंड का बंदोबस्त कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह बैठते हैं तो गा भी लेते हैं, सब लोगों के साथ मिलके हम गा भी लेती हूँ। अच्छा, ऐसी कोई मतलब अच्छा। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर जो हैं मेरे, अब तो खैर बहुत सारे नए नए आ गए हैं, जैसा पाकिस्तानी फेवरेट सिंगर। मुझे नाहिद अख्तर एक ज़माने में बहुत पसंद थी, और नूर जहाँ की तो क्या बात है, माशाल्लाह उनकी तो इतनी, मतलब आई वाज सो फैन, उनकी आवाज़, उनकी खूबसूरती, उनकी साड़ियाँ, मतलब नो डाउट के सब ख़त्म था उनके ऊपर। और हमारे मुल्क के बहुत अच्छे जो हैं फनकार, मेहंदी हसन साहब हैं, और एक दो और गज़ल के जो अभी मेरे ज़हन में नाम नहीं उनका आ रहा, परवेज़ मेहंदी साहब हैं, और इस तरीके से जो है सब अच्छे रहे हैं। लेकिन अब मुझे ना इस चीज़ की कमी लगती है जब मैं टीवी देखती हूँ, कि जैसे हमारे बचपन में, हमारे ज़माने में ना, वो एक हर दूसरे दिन या डेली एक गानों के प्रोग्राम लगते थे, बेंजामिन सिस्टर और इस तरह के जो रेगुलर प्रोग्राम्स थे। तो अब मुझे तो एक वो कोक स्टूडियो की आवाज़ सुनाई देती है, कि कोक स्टूडियो है, लेकिन उस तरह ना टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम गानों के नहीं आ रहे। जी आप सही कह रही हैं, लेकिन इस बात से अंदाज़ा हो गया मुझे कि गानों का अच्छा खासा शौक रखती हैं आप। मूवीज़ का शौक है आपको? जी मूवीज़ भी देखते थे, अब तो ऐसे मुझे बहुत अरसा हुआ मैंने कोई मूवी नहीं देखी, टाइम नहीं मिलता इनफैक्ट ना, मतलब आप घर से निकलें, काम करते करते चेंबर में आ जाएं, चेंबर के इतने सारे काम, मसाइल, मीटिंग्स, और फिर जब घर जाएं तो बस फिर उसके बाद इतना को टाइम ही नहीं बचता। अच्छा, टाइम शॉर्ट हो जाता है, नमाज़ें पढ़ लें, बच्चों को देख लें, मतलब मैं समझती थी कि जब ये बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे ना तो हमारे काम ख़त्म हो जाएंगे, अब पता चला कि वो काम दोबारा से शुरू हो गए हैं, कि बच्चों की शादियां हो गई हैं तो उनके बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व हो गए हैं। अच्छा, तो वो काम तो आपका ज़िंदगी में कभी नहीं ख़त्म होता। तो फिर भी जैसे आजकल की जो मूवीज़ बन रही हैं, अभी तो खैर थोड़ा मूवीज़ का डाउन हुआ है, लेकिन जो पहले अच्छी अच्छी मूवीज़ आई हैं, जो पाकिस्तानी मूवीज़ का एक क्या कहना चाहिए रिवाइवल हुआ है, उसमें से आपने कोई मूवी नहीं देखी जो सिनेमास पे कुछ अरसे पहले तक लगी हुई थी, नामालूम अफराद थी और इस किस्म की बहुत सारी मूवीज थी? नहीं, मैंने वो एक मूवी देखी थी, उसका ड्रामा भी था, वो जो हुमायूं सईद और मायरा खान की, तो वो बच्चों के साथ में चली गई सेंटोरस, तो मुझे लग रहा था कि मैं टीवी देख रही हूँ। और एक मूवी मैंने देखी थी वो बैरिया में, सिनेप्लेक्स में एक, बहुत वो भी बड़ी मशहूर हुई थी, अभी मुझे तो नाम उसका भूल गया, एक वो देखी थी और उसके बाद फिर मैंने ये देखी थी, तो वो अच्छी थी, उस वक्त बड़ी हिट मूवी थी वो भी, और ये देखी। बाकी वो बच्चों ने नेटफ्लिक्स पे लगाई होती है, लेकिन मैंने कभी इतने शौक से देखी नहीं, टाइम ही नहीं होता मेरे टेलीफोन, मेरी जो है ना, मेरा जो मोबाइल है ना, ये मेरी जान नहीं छोड़ता कि कॉल्स पे कॉल्स, रात के 12-1 बजे तक जो है ना मेरा यही सिस्टम वो चल रहा होता है, किसी ने कुछ पूछना है, किसी ने कुछ पूछना है, तो बस इसलिए टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम मिले आपको तो आप क्या म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगी या मूवी देखना पसंद करेंगी? मैं म्यूज़िक सुनना पसंद कर लूँगी, क्योंकि अच्छा। वो 3 घंटे तो मेरे, मुझे पता है कि मेरे पास नहीं होंगे, तो लेकिन 3 मिनट का गाना सुन सकती हैं आप। चलिए तो बहुत अच्छा किया आपने। रेगुलर वो जब भी
बच्चियों के साथ मैं ड्राइव पे होती हूँ ना, ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वैसे भी सुनती रहती हैं, क्योंकि अभी एक वक्त है हमारा ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए और मैम के साथ यहीं गुफ्तगू करेंगे। मैम अब थोड़ी सी बात करते हैं चैम्बर और बिजनेस के हवाले से, वैसे तो थ्रू आउट चैम्बर के ऊपर ही बातचीत चल रही है, लेकिन उसके अंदर एक वक्त आया होगा फॉर श्योर जो कि पूरी दुनिया पर ही आया था, कोविड। जी जी बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे कि कोविड में कैसे बिजनेस जो बिजनेस है वो कैसे सर्वाइव किए, और आपके चैम्बर में उसमें क्या अमल दरामद हुआ, कोई इम्प्लीमेंटेशंस हुई, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में हमें आप बताएं। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली हमें भी अपने चैम्बर का ऑफिस बंद करना पड़ा। अच्छा। उससे पहले हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी वो भी हमें ख़त्म करनी पड़ी। जैसा कि हम एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे थे F9 पार्क में, तो वो हम 4 दिन पहले हमें मना हो गया कि आप नहीं कर सकते, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई हमें। इतनी सारी ख़वातीन थीं, उन्होंने इतनी चीज़ें बनाई हुई थीं तो उसको सेल करने के लिए। तो लेकिन हमारे ऑफिस में हमारे चैम्बर ने ये किया कि कोविड में जब ख़वातीन घरों से बाहर नहीं निकल रही थीं, तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था कि ख़वातीन घरों में थीं, उनके पास भी टाइम था, तो हम लोगों ने ऑनलाइन जूम के थ्रू ऑनलाइन हम लोगों ने काम शुरू किया। और ज़्यादातर ख़वातीन आप देखें कि जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग में नहीं आती, तो हमने वो शुरू किया। रेगुलर बेसिस पे हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की, ख़वातीन को जो है सिखाना शुरू किया कि आपने अपने बिज़नेस को अगर आगे बढ़ाना है तो आपने जो ये सोशल मीडिया है इसको किस तरीके से जो है यूटिलाइज़ करना, तो वो रेगुलर बेसिस पे। फिर लोगों ने ऑनलाइन अपने कपड़े बेचने शुरू कर दिए, ऑनलाइन ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। और इस ज़माने में आपको बताऊं कि फ़ूड का बिज़नेस बहुत चला, ये ख़वातीन बहुत सारी जो थी वो फूड के बिज़नेस में आ गई, क्योंकि जो था अक्सर घरों में मसले मसाइल भी थे, तो लोगों ने ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए, तो फूड का बिज़नेस बहुत ग्रूम हुआ। और फिर उसी ज़माने में बीच में ईद भी आई थी, तो रमज़ान भी था, तो उसमें भी लोगों ने जो है वो घरों में बैठ के अपने बहुत सारे ऐसे काम जो कि कर रही थी ऑलरेडी, वो उन लोगों ने चलाए। तो लेकिन ये था कि कोई ऐसा दिन नहीं था कि चैम्बर ने अपने मेंबर्स को एक्टिव नहीं रखा, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि वो ख़वातीन जो कोई सीखने के मूड में नहीं होती थी ना कि बस सीखे हमारा बिज़नेस चल रहा है, तो जब आपको पता है जब ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो फिर सब लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल भी करना शुरू किया। और USAID और बहुत सारे लोगों के साथ मिलके हमने उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए, जूम पे मीटिंग्स की, बहुत सारी ख़वातीन को जो है ये भी अब इस्तेमाल करना आ गया, तो वो अपना अच्छा बिज़नेस अब कंटिन्यू उन्होंने ऑनलाइन के ऊपर किया हुआ है। और फिर जब कोविड से हम लोग बाहर निकले, और चैम्बर ने उस वक़्त बहुत सारे डोनेशंस भी दिए, जो है डॉक्टर्स को भी हेल्प आउट किया, फिर इसी तरीके से एक एम्बेसी ने हमें, चाइनीज़ एम्बेसी ने कुछ फंडिंग की, तो वो हम लोगों ने जो हमारी मेंबर्स थी, ऑब्वियसली उनके अपने बिज़नेस नहीं चल रहे थे, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उन बेचारों को बड़ी मुश्किलात थी, तो हमने वो राशन पैक जो थे बहुत सारे अपने मेंबर्स को दिए, ताकि वो आगे अपने जो उनके वर्कर्स थे उनको सपोर्ट कर। तो इस तरीके से बहुत सारे इस तरह के काम थे जो हम लोगों ने मिलजुल के घरों में भी बैठ के और इस तरीके से आगे बढ़ाया। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई इस तरह लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई अपने बिज़नेस को लेके, अभी तक आगे चल रही हैं ख़वातीन, और हम लोग चैम्बर भी उनको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है। तो कोरोना में सबसे ज़्यादा फूड का बिज़नेस चला, आप जी कहने का ही मतलब जी है। जी बिल्कुल। और जो बाकी बिजनेस है उनका क्या रहा, क्या कुछ बिजनेस बंद हुए? जी बहुत सारे ख़वातीन ने अपने बिजनेसेस को टेम्परेरी तौर पे क्लोज डाउन भी कर दिया था, कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो नहीं चल रही थी, तो वो उन्होंने, लेकिन ये था कि उस तरीके से मतलब ये नहीं बिल्कुल बंद नहीं हुए, उसके बाद दोबारा से अगेन दे आर डूइंग देयर ऑल बिजनेसेस, जिन्होंने टेम्परेरी 2-4 महीने के लिए बंद किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो सब लोग अपने अपने बिज़नेस में वापस आ गई हैं और अच्छा काम कर रही हैं सब लोग। सो मैम क्या कुछ बिज़नेस ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही बंद हो गए टोटली, या कुछ ऐसे भी थे जो फॉर द टाइम बीइंग बंद हुए लेकिन दोबारा से उन्होंने? जी बिल्कुल, कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे हमारे इस तरह के कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने शॉप्स ली हुई थी, और वो शॉप्स पे उनको, आपको पता है इस्लामाबाद में इतने रेंट्स हैं कि वो जो
जो रेंट्स थे ना वो नहीं पे कर पा रही थी, तो वो फिर उन्हें जो है ना बंद करने पड़े और वो उन्होंने शॉप्स खाली। हालांकि हम लोगों ने भी चेंबर में भी उसने इन्वॉल्वमेंट की कि किस तरीके से ये लोग कुछ फैसिलिटेट कर दें, तो वो कहते थे कि मैम हमारा तो अपना जो गुजारा है ना वो इन किरायों के ऊपर है, तो हम किस तरह ना लें। तो ये बड़ा सेटबैक हुआ था जिन लोगों के बुटीक्स थे, तो वो उनको बंद करने पड़े। सिर्फ बुटीक्स जो थे वो टोटली शट डाउन हुए जी, मोस्टली बिल्कुल जो ख्वातीन ने खोले हुए। लेकिन उस दौरान ईद भी आ गई थी, तो वो दोबारा से उन्होंने अपना नहीं, फिर वो देखे नहीं, वो फिर अब घरों से कर रही थी अपने। अच्छा जी, आपको पता कि आजकल तो हर चीज नेट पे फेसबुक मतलब पे रेंट पेज बनाए, उन्होंने बंद करके शॉप्स अपने घरों से वो चीज दोबारा शुरू कर दी थी, बना लिए थे, उसके ऊपर इतने ज्यादा लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये जो थे ना जो डिलीवरी बॉयज थे इनका बड़ा अच्छा बिजनेस रहा, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा ग्रूम किया। तो आपकी जो चैम्बर है इसमें जो ख्वातीन हैं जो आपके साथ शामिल हैं वो उनको एग्जीबिशंस का मौका मिलता है, कोई ऐसा कोई कार्निवल काइंड ऑफ आप लोग अरेंज करते हो? बिल्कुल, हम इस्लामाबाद में हम कुछ 6 बड़े मेगा इस्लामाबाद एक्सपो के नाम से इवेंट कर चुके हैं जिना कन्वेंशन सेंटर में, जबरदस्त। और इसके अलावा लाइफ स्टाइल एग्जीबिशंस कर चुके हैं बहुत सारे, और मतलब उनकी तो कोई तादाद ही नहीं है। फिर हम ये बिज़नेस विमेन बिज़नेस इन फेस्टिवल करते हैं, वो एक हमारा चल रहा होता है, वो हर साल हमारा होता है, और वो मेगा इवेंट F9 पार्क में हम कर रहे होते हैं। तो उसमें ये कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन आती हैं और आके अपना डिस्प्ले करती हैं प्रोडक्ट्स। और हमारे स्पेशली इस्लामाबाद विमेन चेंबर ने वो जो एक मिडल मैन का कॉन्सेप्ट था ना, आप देखते थे अच्छा मुल्तान से आदमी कपड़े लेकर आ रहे होते थे और वहाँ से वो 600 का सूट उठाते थे और यहाँ 1200 का बेच रहे होते थे। तो जब से हमारा विमेन चेंबर ने ये इस्लामाबाद एक्सपो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, तो वो एक बहुत अच्छा ख़वातीन को जो है ना प्लेटफॉर्म मिला है कि वो आती हैं अपनी चीज़ें, और फिर उसे देखें आप चीज़ें बना रही हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही ना। तो जब तक आपका डायरेक्ट बायर्स के साथ आपका बातचीत नहीं होती तो आपको नहीं पता चलता कि क्या है। तो जब वो हमारा 2 दिन का एग्जीबिशन होता है तो उसके अंदर जब लोग आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग। देखिए चीज़ को बना लेना इज़ नॉट अ मुश्किल, चीज़ को बेचना मुश्किल काम है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी मार्केटिंग चाहिए, ये ना हो कि आप चीज़ तो अच्छी बना लें जी बिकेगी नहीं तो क्या फायदा। मैम ये बताइए कि आप इतनी ग्रैंड एग्जीबिशंस करती हैं तो फिर पीछे से इदारे की कोई फंडिंग हो रही होती है या आप ही लोग आपस में कलेक्ट करके फिर ये एग्जीबिशंस करते हैं? क्योंकि रेंट देना जो आप ले रही हैं एग्जीबिशन के लिए, फिर जो स्टॉल्स लगा रहे हैं उसके लिए भी आपको सामान दरकार होता है, तो पीछे से आप लोगों के साथ कौन ये सब अरेंज करता है? देखिए जब हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर इसके लिए जो है हमें अपने स्पॉन्सरशिप्स ढूंढनी पड़ती हैं, वो लेते हैं। फिर कुछ हम जो स्टॉल लगा रहे होते हैं वो एक बहुत ही कम अमाउंट के पैसे ख़वातीन से ले रहे, तो हमारा मकसद ये होता है कि बस किसी दिन तक किसी तरीके से हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर दें ताकि ख़वातीन को जो है एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपनी चीज़ें बेच सकें। या मैं यहाँ आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि वैसे तो देखें मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आप कोई काम करें कहीं बात करें तो सब मर्द ऐसे आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जैसे बस अभी ये आपके लिए जो है ना वो तारे तोड़कर ला देंगे ज़मीन पे ना ख़वातीन के लिए। लेकिन एक्चुअली जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं हैं। मैं देखती हूँ कि इस्लामाबाद में इतने बड़े बड़े एक्सपो हो रहे होते हैं और जहाँ पर ये लोग 20-20 लाख के स्पॉन्सरशिप दे रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारा इस्लामाबाद विमेन चेंबर जाता है उन्हीं लोगों के पास तो वो बेचारे ऐसा मतलब बिहेव करते हैं कि बस उनका तो कुछ है ही नहीं, उनके पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है कि वो उनके। तो मकसद ये है कि हमारे इस माशरे में जब तक मर्द हजरात भी आगे बढ़ के इस तरह के इवेंट्स को स्पॉन्सरशिप नहीं करना शुरू करेंगे तो आप किस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़े कर चलेंगे आप? आप देखें कोई इस तरह के फंक्शन हो रहे होते हैं जिनकी कोई आउटपुट नहीं होती, ठीक है, मतलब ये आए हैं आप 2-4 घंटे बैठे हैं शुगल मेला हुआ और चले गए। लेकिन जो हमारा इवेंट है उसमें अगर एक औरत आती है वो बेचारी अगर अपनी 20,000 की चीज़ लेकर आती है तो कम से कम वो 30,000 करके उसको घर जा सकती है। तो ये एक इनकम जनरेशन की एक्टिविटी है। तो मैं आज बल्कि लाउंज में बैठी हुई आपसे भी और बल्कि मेरे तमाम सुनने वालों से भी मैं ये शेयर करूंगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें लोगों की इनकम जनरेशन हो,
उसमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और सिर्फ बड़े बड़े एक्सपोज ही को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो कि मर्द हजरात ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जो खवातीन हैं वो भी उतनी ही डेडिकेशन के साथ काम भी कर रही होती हैं और मेहनत भी कर रही होती हैं। ऑब्वियसली जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो रही होती है, तो हमारे कुछ अच्छे जो हैं वो साथी भी हैं मर्द हजरात में से हैं जो हमेशा हमें सपोर्ट कर देते हैं, उनकी सपोर्ट से हम खड़े हो जाते हैं, फिर हमारे अपने मेंबर्स की सपोर्ट, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारी ऑफिस बेरियर, इन सब की सपोर्ट से इट्स अ टीम वर्क। जी दिस इज़ द टीम वर्क, और बस हम ये कि हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, हम कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं माशाल्लाह जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैसेज है जो है ना हमारी मोस्टली मैंस डोमिनेटिंग सोसाइटी को एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो। जी बिल्कुल, हमारे पास आपका जो एग्जीबिशन के हवाले से एक पैकेज है जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, आप ज़रा वो पैकेज देखिए और पैकेज देख के वापस आइए, फिर यहीं से उस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक सवाल है कि अगर जैसे मैं हूँ या मेरे जैसी और ख्वातीन हैं जो कि बिज़नेस जिन्होंने कल सुबह शुरू किया, कल शाम को शुरू किया और वो मेंबर बनना चाहती हैं, तो उस हवाले से कोई टाइम फ्रेम है कि लाइक आपने अभी शुरू किया है तो ज़रा लाइक आप एक महीने ज़रा करें उसके बाद हमें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी इसमें कोई वो नहीं है। आप अभी बिज़नेस शुरू कर दें, आप अभी चैम्बर की मेम्बरशिप लेना ले सकती हैं, लेकिन जो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका एंटीएन होना ज़रूरी है, बस आपके पास एंटीएन है, आप अपनी दो तस्वीरें और एक शनाख्ती कार्ड की दो कॉपी लें और आप मेंबर बन जाएंगी। अच्छा जी, बिल्कुल। चले, और एक क्वेश्चन और जो मेरे दिल में अभी आया है, मैंने सोचा वो भी आपसे करूं कि चलें ये तो है कि जी मैंने बिज़नेस शुरू किया और मैं आपके पास आ गई, ठीक है एंटीएन और वो सब तो रह गया, लेकिन मैं एक ब्लैंक खातून हूँ जिसको बिज़नेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, तो फिर मैं जीरो के साथ आ सकती हूँ? जी बिल्कुल, बन जाऊँ उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट करूँ? आप देखें बिल्कुल आ सकती हैं, और हम आपको बिज़नेस प्लान बना के देंगे, आपसे पूछेंगे कि आपके अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपके पास कैपिटल कितना है, ठीक है ना, मकसद ये तो ना हो कि प्लान बहुत बड़ा हो जाए और कैपिटल हो ना, तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें हम बिल्कुल फोकस करके जो हमारे पास खातून एक मशवरा लेने के लिए आती हैं उनको हम जो है वो दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने अपने इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर का क्लब बनाया हुआ है, वो क्लब हमारा ज्वाइन कर लेती हैं और फिर साथ साथ वो अपना बिजनेस की तरफ आ जाती हैं और वो हमारी मेंबर भी बन जाती हैं। मतलब अच्छा है कि पहले आप मेंबर बने, उसके बाद आप वैसे ही डिस्कशंस करें और उस हवाले से ज़रा नॉलेज लें कि भाई अगर आप टेक्सटाइल की बिज़नेस में उतरना चाहती हैं तो जो टेक्सटाइल की ख़वातीन हैं वो उससे मशवरे ले सकती हैं इजीली। कुछ होती हैं जो कि पार्लर्स के प्रोफेशन में उतरना चाहती हैं ना, ये यू नो आजकल तो ये भी एक है, घर से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस हवाले से काम करें, सो ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है मेरे ख्याल से। अगर आपने नहीं भी स्टार्ट किया कुछ तो आप मैम को ज्वाइन कर सकती हैं, वहाँ जाने के बाद भी डिसाइड कर सकती हैं, फिर आपका एक एप्टीट्यूड भी होता है ना, आप ज़रा कन्फ्यूज होते हैं कि मैं जी खवातीन के लिए तो बहुत सारे वो है ना, खाने में भी आगे आ सकती हैं, ये पार्लर के काम में भी आ सकती हैं, कपड़ों के काम में भी आ सकती हैं, एक महदूद अगर कैपिटल है तो आपके पास आके उनको ये सब ज़रा आइडियाज़ आ जाएंगे आ जाते। और आप देखें सर चैम्बर की मेंबरशिप लेने के इतने फ़ायदे हैं, मैं आपसे शेयर करूँ कि जैसे इस्लामाबाद विमेन चैम्बर अभी तक 15 डेलीगेशन लेके इंटरनेशनली जा चुका है, तो वो खवातीन जो बिल्कुल पूरा पाकिस्तान भी नहीं घूमी होती हैं और वो बाहर चली जाती हैं, तो इतना ज़्यादा उनका एक्सपोजर हो जाता है कि अपने वो प्रोडक्ट के हवाले से इतनी लर्निंग करती हैं, उनकी मार्केटिंग हो जाती है,
और आपको पता है एक सफर ही कर लें तो आप बहुत कुछ सीख जाते जी, हैं बिल्कुल। तो ये भी तभी है कि अगर आप किसी इदारे की मेंबर होंगी, चैम्बर की मेंबर होंगी, तो आप ये फैसिलिटीज अवेल कर सकती हैं। और फिर बहुत ज़्यादा आजकल तो आप देखें हमारा चैम्बर इतनी ज़्यादा ग्रांट्स आई हुई हैं, इतनी ज़्यादा लोन्स हैं, हम तमाम बैंक्स के साथ जो है वो लोगों को लिंकेजेस डेवलप कर रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम है, उसकी हम लोगों को जो है फॉर्म्स फिलिंग करवा रहे हैं। तो ये भी एक चैम्बर का फ़ायदा है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो जब आप एक ज्वाइन करते हैं तो आपको ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को मिल रही होती है। मज़ीद कुछ इसके बेनिफिट्स पे बात करना चाहूँगी मैं कि ख़वातीन को और इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो ये हो गया कि जी मीटअप्स होते हैं, आपको बिज़नेस प्लान्स देते हैं, आप फॉर्म्स फिल करवा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा देखें ना, जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल एग्जिबिशन की क्यूरीज आ रही होती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिज़नेस का नाम तो ग्रोइंग है ना, कि डे बाय डे ग्रो करे। अगर आपने 10 जोड़े बनाए हैं तो आपके पास ऑर्डर हो कि कल आप 20 जोड़े बनाएं, तो दिस इज़ द बिज़नेस। तो जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करती हैं तो आपको पता चलता है। अभी जैसे अभी इस मार्च के महीने में तो इतना हैवी हम लोगों के एग्जिबिशंस हैं, फिर हमारे साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के MOU साइन हुए हैं, तो उन सब ने हमें ये वीमेंस डे सेलिब्रेशंस में इनवाइट किया हुआ है, और वहाँ पे हमारी ख़वातीन डिस्प्ले जो घरों में जी का वो सब अपना डिस्प्ले लगा रही हैं। अभी लाहौर में एक बड़ा वैक्सनेट हो रहा है ख़वातीन का, उसमें हमारी 30-35 ख़वातीन जा रही हैं। तो इस तरीके से नेशनल लेवल पे अभी हैदराबाद में हुआ, कराची में, तो सब तरफ ख़वातीन को मौके मिलते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल एग्जिबिशन में भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये तभी है कि आपने किसी इदारे की मेंबरशिप ली तो वहाँ से आपको ये बेनिफिट मिले। और फिर देखें, जब आप किसी मेंबर जब बन जाते हैं, वैसे तो आपने देखा ख़वातीन बस ऐसे ही थोड़े से कपड़े लिए किसी टेबल पे खड़ी हो गई, लेकिन जब आप मेंबर बनते हैं तो हम उनकी ये भी ग्रूमिंग कि आपके पास अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, आपका ब्रोशर होना चाहिए, आपके अपना कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए, तो इस तरह की भी चीज़ें हैं जो कि चैम्बर लोगों को डिज़ाइन करके देते हैं, हम लोग उनको बना कर देते हैं ताकि वो कहीं पे भी खड़ी हो तो प्रॉपर एक बिज़नेस लेके अपना वो जो है वो खड़ी हो। तो इस तरीके से बेशुमार जो है फ़वायदे जितने आप लेना चाहें। अगर मैम एक खातून हैं जिनके पास एक महदूद कैपिटल है और उन्होंने एक बिज़नेस शुरू करना है, तो जो आपने आइडिया दिया है उनको पसंद आया, समझ आया, लेकिन वो कैपिटल क्योंकि महदूद है तो वो उसको स्टार्ट नहीं कर सकती, तो क्या आप उसमें भी उनको मदद करते हैं, लाइक कोई लोन वगैरह दिलवाना बैंक से, या आपका ख़ुद का चैम्बर, या कहीं से फंडिंग दिलवाना ताकि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके, लेटर ऑन आप फिर वापस ले लें, या कुछ इस किस्म की चीज़ होती है? जी बिल्कुल, हमारे चैम्बर ने बहुत कोशिश की, बैंक्स के साथ लिंकेजेस डेवलप करवाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे कहूँ कि जो हमारी ख़वातीन बिज़नेस तो स्टार्ट कर लेती हैं लेकिन जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है ना उसकी तरफ नहीं जाती। मतलब बस रैंडम एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं। इसीलिए नंबर वन के 145-146 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान का नंबर 143 है, सिर्फ इस वजह से कि हम डॉक्यूमेंटेड ही नहीं हैं, हमारी ख़वातीन के बिज़नेस रजिस्टर ही नहीं हुए, तो हम कहाँ कोई आवाज़ निकाल सकते हैं। और नंबर टू, यही तमाम चीज़ें देखते हुए हमारा चैम्बर जो पिछले तकरीबन 10-12 साल से हम लोगों ने, वो आपने अपने उधर भी घर में भी सुना होगा ना, एक कमेटी सिस्टम जी। तो हमारे चैम्बर ने जो है वो एक कमेटी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, और वो जहाँ मैं आपसे बताऊँ कि हमने 3,000 से शुरू किया था, कि एक महीने की 30,000 रुपये लोगों का निकलता था या उससे ज़्यादा निकल, तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता एक की बजाय दो दो कमेटियाँ डालनी शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता 5,000 की, अब हम 10,000 की डालते हैं। मतलब तो किटी पार्टीज भी होती हैं आपके? नहीं, वो मोस्टली हमारे चैम्बर ऑफिस में ही हम लोग कुछ कर लेते हैं, हमारा उस तरह नहीं है। आपने देखा होगा ना कि वो इस दफ़ा फलाने उसकी कमेटी वो निकली है तो वो डिनर लंच करा रही हैं। अच्छा। तो वो तो हम तो हमारा बिल्कुल फोकस तो बिज़नेस की तरफ होता है, तो हम मैं अपने चैम्बर के ऑफिस में सबको बुला लेती हूँ, वहाँ बैठ के गपशप और चाय पी लेते हैं, या वन टाइम में नाम निकाल देते हैं तो फिर लोग आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारी 1-1 लाख की 5-5-6-6 कमेटियाँ निकल रही होती हैं। अच्छा। 2-2 लाख की निकल रही होती हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि सारे मेम्बर्स जो हैं वो बहुत टाइमली पे भी कर देती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि सब मुझे कहते थे कि आप शुरू तो कर देंगी, ये औरतों ने बस पैसे खा पी के भाग जाना है और ये और वो, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपके जज्बे अच्छे हैं,
तो अल्लाह ताला ज़रूर सपोर्ट करता है आपको. तो अभी हम लोगों ने इस तरीके से ये शुरू की हुई है और हर महीने किसी न किसी की कमेटी निकल आती है. एंड देयर मैम, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ एग्जीबिशंस हुई हैं आपकी, अलावा इस्लामाबाद? देखें, लाहौर में है, पेशावर में, कराची में, क्वेटा हमारी मेंबर्स नहीं जा पाती, ज़रा थोड़ा सा दूर है. ठीक है, अब रिसेंटली हैदराबाद में होनी शुरू हुई है. ठीक है, बाकी गुजरांवाला में है, ये साथ ही गुजरखान में भी हुई है. तो आपका तो अच्छा खासा घूमना फिरना हो जाता होगा पाकिस्तान एग्जीबिशन के बाद. जाता है, मेरी वक्त हर वक्त यही अप्रोच होती है कि कहीं ना कहीं हमारे मेंबर्स को जो है ना स्पेस मिले कि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकें. ठीक है, आप देख लें, इतना इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल कि यहाँ पे आज तक हम ख्वातीन के लिए कोई एक डिस्प्ले सेंटर नहीं बना सके जहाँ पे हम सोचें कि भाई चलो भाई. अभी आप देखें, हमने अगर कोई जगह लेनी होती है ना CDA से, ऑब्वियसली CDA इज़ अथॉरिटी, तो हमें कोई 3-4 महीने लग जाते हैं. वो एक लेटर जो हम लिखते हैं ना अपने परमिशन के लिए, उसके पीछे पीछे घूमते घूमते हमें 3 महीने चाहिए. तो मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें गवर्नमेंट को सीरियस होके काम करने की ज़रूरत है. ठीक है, अब मैं जो पिछले 31 ईयर्स हो गए हैं, 32 ईयर्स आई एम इन बिजनेस, लेकिन बहुत इतने बहुत ज़्यादा कामों की ज़रूरत है. ख़वातीन को उस तरीके से बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है. गो के ख़वातीन इतना अच्छा काम कर रही हैं और मुझे समटाइम्स बहुत तकलीफ़ भी होती है कि औरतें इतनी मुश्किलों से अपने लिए चीज़ों को जनरेट कर रही हैं. कुछ डिज़र्विंग मदर्स हैं हमारे चैम्बर ने, कुछ इतना कि विडोज़ हैं. ठीक है, वो भी हमारे मेंबर्स हैं और वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा रही हैं, लेकिन हमें उस तरीके से ना हैंड होल्डिंग नहीं है. तो जब तक हमारा चैम्बर, बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंटली और सेल्फ फाइनेंस चैम्बर है कि हम अपना उस पर ही चल रहे हैं, अब हमें कहीं से कोई उस तरह फंडिंग नहीं है. तो मकसद ये कि जब आप इस तरीके से काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली किसी भी इदारे को गवर्नमेंट की सपोर्ट की चाहिए होती है. बांग्लादेश में अगर मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूं, तो वहां की गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है वेमेन एम्पावरमेंट को कि हर साल उनका बजट होता है, ठीक है, लाखों रुपए में जो उनको देते हैं और वो फ्लॉरिश कर रही हैं. हमारे यहाँ क्या होता है, हर साल ख़वातीन के नाम पर एक बजट तो अनाउंस कर दिया जाता है, उसके बाद आप पूछते रहें कि वो बजट है किधर. ठीक है, वो बजट आपको कहीं नज़र नहीं आता. तो इस तरह बहुत सारी अमेंडमेंट की ज़रूरत है पॉलिसी की. सबसे बड़ी बात ये है कि पॉलिसी में चेंज लाने की ज़रूरत है ख़वातीन के हवाले से. फिर आप देखें कि इतनी ज़्यादा कमेटीज़ हैं, वहाँ पे ख़वातीन की ज़रूरत है कि देखें, जब एक सीट पे आप बैठ के एक खातून बैठी होगी तो वही उन मसाइल को देखेगी. मेरा ख्याल है आपको ही बिठाना चाहिए. नहीं, मुझे ना भी बिठाएं, मुझे तो ना बिठाएं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ. बहुत सारी, और सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ अगर ये ना कहूँ कि जो हमारी देखें 30% ख़वातीन इस वक्त असेंबली में बैठी हुई हैं. ठीक है, लेकिन अगर वो 30% ख़वातीन 30% हमारे काम कर दें तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचे होते. बहुत अच्छी, सॉरी टू से, सब गवर्नमेंट्स आई, औरतों के नाम पे वोट लिए, लेकिन किसी औरत के लिए कुछ नहीं किया. इसके लिए मैं हुकूमत की जो ऊपर बैठे हुए हमारे सरबरा हैं उनसे गिला नहीं करूँगी. मैं ये गिला करूँगी अपनी उन MNAs MPAs से, जो कि ये, क्योंकि काम तो वही करेंगी ना, पॉलिसी बनाने के लिए वही किरदार अदा करेंगी इन तमाम चीज़ों को, और उनको हमारे मसाइल का भी पता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो हमारी बात सुन सकें. बहुत सही बात कर रही हैं आप, बहुत अच्छी बात कर रही हैं, और मेरी दुआ है कि आपका जो भी मसले मसाइल हैं ये हल हो जाए और आप खुशबाश हो जाएं. ये बताइए, थोड़ी सी आपको और मैं खुशबाश करना चाहूँगी, ये बताइए कि नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के इधर उधर कभी घूमना फिरना हुआ वेकेशन पर? जी जी जी, मेरा ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन बरी, सवात और इस तरफ में सारा जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज, इस तरफ का तो मैं जो है वो सारा घूमी हूँ. और मैं आपको बताऊँ कि इतने अच्छे काम वहाँ पे बन रहे हैं. अगर आप गिलगित की तरफ चली जाएँ, हुंजा की तरफ, ख़वातीन इतना अच्छा अच्छा काम कर रही हैं वहाँ पे, स्टोन का काम कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, इन तमाम चीज़ों में जो है बहुत खूबसूरत काम हो रहा है. क्योंकि हमारी चैम्बर का एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट फंडेड एक्सपोर्ट के हवाले से, जो था प्रोडक्ट डेवलपमेंट हब,
यानी कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रही हैं तो हम आपको उसमें हेल्प आउट करेंगे कि आप इस अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के हवाले से इस तरह कर लें। अच्छा, तो उस सिलसिले में हमने सिर्फ इंडिया इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में काम किया। तो पता चला आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है वेकेशंस के लिए, कि अगर आप जाना चाहें सुकून के लिए तो फिर आप कौन सी जगह? वैसे तो मैं आपसे बताऊँ कि बल्कि मैं पाकिस्तान में अभी इतना नहीं घूमी जितना मैं बाहर इंटरनेशनली जो है वो दौरे कर चुकी हूँ। लेकिन मरी पहले मुझे अच्छा लगता था, हमारे एयरफोर्स का बेस बना हुआ है लोअर टोपा, वो बहुत खूबसूरत और पीसफुल है। मरी इटसेल्फ इज़ अ वेरी कंजेस्टेड बट द लोअर टोपा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड बड़ा पीसफुल। तो पाकिस्तान अब ज़्यादा नहीं घूमी, चलिए हम आपको घुमा देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पास इस वक्त मौजूद है टूरिज्म से रिलेटेड एक पैकेज, लेकिन वो सरप्राइज है कि हम कहाँ घुमाने वाले हैं। तो अच्छा, आप भी चलिए हमारे साथ जरा घूम के आइए, फिर एक ब्रेक लेंगे, चाय शाय लेंगे, फिर वापस आएंगे और यहीं से गप्पे शप्पे लगाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, खूब घूम फिर के आ गए हम, मजा आया मैम आपको देख के, कितना खूबसूरत अच्छा है पाकिस्तान माशाल्लाह से। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, आंखें गार्डन गार्डन हो जाती हैं। हाँ। इतना खूबसूरत पाकिस्तान देख के माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम आपने माशाल्लाह से इतना काम किया है, आज जहाँ आप खड़ी हैं पीछे मुड़ के देखती हैं आपको क्या अचीवमेंट्स नजर आती हैं, आपने क्या क्या अचीव किया? देखें सबसे पहले जो मेरी अचीवमेंट है
मेरे बच्चे, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, ये मेरी अचीवमेंट है। और उसके अलावा फिर देखें एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना, ठीक है, कि आप एक इंस्टीट्यूशन को डेवलप करते हैं, आप एक गवर्नमेंट के लॉ के अंदर अमेंड कराते हैं, ये कोई मतलब ऐसी एक मामूली बात नहीं है कि आपने बस सोचा और हो गया, उसके पीछे इतनी मेहनत, दिन रात की मेहनत कि आपने एक लॉ में अमेंड करवाया, आपने एक इंस्टीट्यूशन बना लिया जिससे आज ख्वातीन बाइज्जत तौर पे बैठ के अपने कारोबार को लेके आगे जो है वो चल रही हैं। तो दिस इज़ माय अचीवमेंट, और मैं अभी और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ ख्वातीन के हवाले से। तो लेकिन मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि अगर आपके इरादे, आपके जज्बे सच्चे हों तो वो दिन दूर नहीं होता कि अल्लाह ताला जो है आपकी ख्वाहिशात को पूरा ना करे। और आगे क्या सोचती हैं आप के आगे और मज़ीद क्या क्या करना है? मुझे पता है कि आपके प्लान्स तो हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा खुल के बयान कीजिए ना कि क्या करना चाहती हैं। बिल्कुल, देखिए मैं ये करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो ये ख़वातीन हैं, इतना अच्छा काम पाकिस्तान में औरतों के, इतने खूबसूरत काम हैं, इतने स्किल्ड हैंड हैं, तो इनकी जो है ना वो सही मानों में जो है ना इनकी प्रोजेक्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो एक तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक कोई एक ऐसा इदारा हम बनाएं जहाँ पे जो पूरे पाकिस्तान में चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब मैं एक्सपोर्ट की बात करती हूँ तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशानी होती है, सोच आती है कि ये प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट के हवाले से बने तो ये कितनी खूबसूरत वैल्यू उसमें हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ इंडिया की चीज़ें, मैंने एक बैग देखा और उस पर बिल्कुल वो पॉम्पम लगे हुए थे और वो इतना महंगा बिक रहा था, और यहाँ वो रुल रहे होते हैं वो पॉम्पम हमारे यहाँ ऊन के बने हुए। तो हम वैल्यू एडिशन के लिए हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा हम इदारा डेवलप करें जहाँ हम ख़वातीन को बुलाएं और उनको अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट उनके प्रोडक्ट को हम तैयार करें। मैम हमारे यहाँ तो कपड़ा इतना अच्छा बनता है, हमारे कपड़े की, हमारी ज्वेलरी की, हमारी एक एक चीज़ की क्वालिटी इतनी हाई होती है। मैंने ये भी सुना है कुछ लोगों से जिन्होंने बाहर काम किया है, मेरे अपने जानने वाले, कि पाकिस्तान से जो चीज़ें बाहर जाती हैं वो मेड इन पाकिस्तान हटा के वो अपने मुल्क का नाम लिख के उसको बेच रहे होते हैं और हाई प्राइस में बिक रही होती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। बाहर जो है वो ज़्यादा होती है। और फिर मैं एक वही वाली बात कि मैं एक डिस्प्ले सेंटर चाहती हूँ कि इधर इस्लामाबाद में बने हुई है सिटिंग इन कैपिटल, तो वो पूरे पाकिस्तान के ख़वातीन के लिए वो डिस्प्ले सेंटर हो। अक्सर यहाँ पे एम्बेसीज़ में डेलीगेशंस आते रहते हैं और फिर वो बड़ा अर्जेंटली हमें कहते हैं कि जी कोई हम ये चीज़ें दिखा दें, तो जब हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, इतना सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं गवर्नमेंट एक इंटरेस्ट लेके एक हमें डिस्प्ले सेंटर बना दे ताकि हम जो हैं वो ख़वातीन के कारोबार को, ऑब्वियसली देखें ना जब आपको ऑर्डर मिलेंगे तो सब कुछ ही तरक्की करेगा ना। जब आप घर में पैसा लेके जाएंगे, आपके बच्चे खुशहाल, अच्छी तालीम लेंगे, आपका माशरा खुशहाल होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा ना। तो हाफ नेशन तो अभी उस तरीके से इन्वॉल्व भी जो है वो नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन अभी 20-22 चेंबर्स बन चुके हैं, वो तमाम ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशानी में अपने अपने चेंबर्स को रन कर रही हैं जैसे कैसे, तो गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग करे उन तमाम चेंबर्स को जो है वो कुछ इस तरीके से, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाएं, उनको ऑफिस के लिए जगह दें ताकि वो जो बनाने वाले लोग हैं वो कंफर्टेबल चीज़ों को लेके आगे चलें, क्योंकि अभी आधा टाइम तो हमारा इस चीज़ में लग जाता है कि हमने अपने चेंबर के जो अखराजात हैं या दूसरी चीज़ें उनको किस तरीके से आपने, तो जब एक इदारा खुशहाल होगा तो आप लोगों को आगे अच्छा फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैम ये बताएं कि चैम्बर कोई एंटरटेनमेंट, कोई फोक या कल्चरल एक्टिविटीज़ से रिगार्डिंग कुछ कर रहा है? जी जी बिल्कुल, हम म्यूजिक तो आपको वैसे ही पसंद जी है। बिल्कुल हम हर महीने एक अपनी मंथली मीटिंग करते हैं और उसमें हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, हमारा फैशन शो भी होता है, म्यूजिक भी होता है उसके अंदर, हम लोग लकी ड्रॉ भी रखते हैं। तो ये इस तरह पहले तो हमारा हर महीने रेगुलर ये प्रोग्राम इस्लामाबाद क्लब में होता था, ठीक है, लेकिन अब ये कोविड की वजह से आपको पता सभी तरफ हालात ख़राब है, तो अभी एक और लोकल है एक होटल, वहाँ उनका बहुत खूबसूरत सा लॉन है तो हम लोग वहाँ पे ये अरेंजमेंट अपनी करते हैं और बड़ा जो है वो अच्छा सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता लाइक जो
ख़वातीन जो म्यूज़िक से हवाले से कुछ लर्न करना चाहती हैं तो उनको कोई मौके आप लोग फराहम करते हैं? जी, हमारी एक मेंबर हैं तो वो बहुत अच्छा जो है वो गज़लें और गाने गाती हैं, तो बड़ा उनको शौक़ रहता है कि भाई वो कोई ना कोई, तो वो अक्सर हम किसी ना किसी एक मेंबर के घर कोई महफिल मौसीकी कर लेते हैं, ताकि उनका भी, उन्होंने बल्कि अपने घर पे ही हमें बुलाया हुआ था, बड़ा अच्छा उन्होंने। वो आपकी पर्सनल गैदरिंग होती है मतलब? जी नहीं, चैम्बर ही के मेंबर्स की, मेंबर्स ही को इनवाइट किया हुआ होता है, सारे फ्रेंड्स। जैसे एक कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना म्यूजिकल या फोक या कल्चर के हवाले से, नहीं वो अभी इस तरीके से तो नहीं है कि हमने कोई मतलब शुरू किया। वो आपकी बाकी आपकी पर्सनल गैदरिंग्स होती हैं, उसमें एंटरटेनमेंट के लिहाज से आप अपनी एंटरटेनमेंट पूरी रखी हुई है क्योंकि आप देखिए ना, तो एंजॉयमेंट तो चाहिए ना जी, क्योंकि बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है ना, मतलब आप इधर से ऑफिस घर चीजें देख रहे हैं, ऑफिस जैसे भी मेरे ख्याल से जिंदगी में जो मी टाइम है वो जरूरी है। अभी एक डेलीगेशन टर्की लेके गए हुए थे जो है, हम वहाँ पे तकरीबन हम कोई 12 डेज वहाँ पे घूमे फिरे हैं। वहाँ पे एक एग्ज़िबिशन था, वो ब्यूटी का एग्ज़िबिशन, हमारे ब्यूटीशन साथ गई थी, उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया। अच्छा। और वहाँ से बहुत कुछ लर्न किया, वहाँ पे भी बहुत हम लोगों ने टूरिज़्म किया, वहाँ पे एम्बेसडर से मिले, फिर हम 12 दिन टर्की रह के फिर हम दुबई आ गए, फिर दुबई में ये दुबई एक्सपो हम लोगों ने विज़िट किया। अच्छा अच्छा। वहाँ 7 डेज हम रुके, वहाँ पर भी हमने टूरिज़्म भी किया और वहाँ से लर्न भी किया और ऑफिशियल मीटिंग्स भी की। तो मकसद ये कि वो मैंने आपसे बताया ना कि आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि 10-11 सालों में हम 15 डेलीगेशन लेके जा चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैम ये हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करते हैं। सेल्फ फंडेड थे हमारे। अच्छा। मतलब हमने सिर्फ एक हमारा गवर्नमेंट की सपोर्ट थी जो हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। अच्छा। उसके वो मैं पूरे पाकिस्तान से लेके गई थी 14 फरवरी। तो आपके जितने भी ये थे अपने जो रिसेंटली जो आपने किया जो दुबई एक्सपो आप घूम फिर के आई, मेरे ख्याल से वो व्यूअर्स को भी हम दिखाते हैं कि क्या क्या वहाँ आपने घूमा फिरा। सो व्यूअर्स जरा जाइए देखिए कि ये जो मैम है ये कैसे वहाँ घूम फिर के आई है, फिर वापस आइए जरा पूछते हैं कि क्या क्या तफरियाँ की इन्होंने।
क्या जबरदस्त घूमना फिरना हो रहा था भाई, मुझे तो बड़ा मजा आया देख के, बल्कि बड़ा रिफ्रेशिंग होता होगा सभी के लिए जी, बिल्कुल। से और जो ये इंटरनेशनल एक्सपोजर या क्या कहना चाहिए इंटरेक्शन होता है खवातीन का, उनकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग में इसका कितना हाथ होता है? देखें, आप जैसे हैं तो आपके घर वाले अकेले नहीं इजाज़त मिलती किसी खातून को, और बहुत मुश्किल भी होता है किसी एक अकेले जाना जी। तो जब आप इस तरह पूरे ग्रुप की सूरत में जाते हैं तो घर वाले भी कंफर्टेबल होते हैं, दे हैव अ कॉन्फिडेंस अबाउट कि चेंबर के साथ जा रही हैं इन लोग सारा, तो हम लोग पूरा मिलजुल के इसको जो है वो लेके जा रहे होते हैं। और फिर हर खातून के हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे मीटिंग्स अरेंज की भी होती हैं। अच्छा। अगर वो अपना गारमेंट्स में कर रही हैं, ये ब्यूटी के हवाले से है, ताकि जो वो ये एक ट्रिप पे गई हैं तो कम से कम उससे उनको कुछ लर्निंग हो। हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ से इतने ऑर्डर्स लेकर आए और वो अच्छा। फिर बाद में बना के कपड़ों के लिए हैंडीक्राफ्ट्स के, हैंडीक्राफ्ट्स जी के, अच्छा। आपको पता है पाकिस्तान का हैंडीक्राफ्ट्स तो इतना मशहूर है, और इतना खूबसूरत है कि कहीं पे भी जो है नहीं मिलता। चाइना में हम गए, वहाँ पे जाहिर है उनका हैंडीक्राफ्ट इस तरह का नहीं है, उधर हमने चीज़ें बना के जो है टू ट्रिप्स हमने चाइना के किए हैं, वहाँ पे हमने फिर कौन सारा कौन से आइटम्स को वहाँ पे ज़्यादा पसंद किया जाता है? चाइना में तो ये हमारे हैंड एम्ब्रॉयडरी शर्ट्स, कुशन्स, बेड कवर्स, इस तरह के सारे जो है वो चीज़ें पसंद की जाती हैं। हर मुल्क में डिफरेंट चीज़ें हम पाकिस्तान की पसंद की जाती हैं जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग यूरोप गए तो वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रेसेस, कुर्तीज जो हैंड एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क, एप्लिक वर्क, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की अच्छा। जाती हैं। तो फिर उनको फ़ायदा होता होगा काफ़ी ना जब ये जाती हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेशनल आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है, मिल आपका रहा है। आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही है, साथ में आपकी इनकम भी जनरेट हो रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। बिल्कुल, तो आप देखें आप अकेले तो नहीं कर सकते ये, तो यही एक सबसे मेजर बेनिफिट है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं किसी चेंबर में तो आपको इस तरीके के मौके मिल जाते हैं कि आप लोग इंटरनेशनली जो है। फिर हमारा चेंबर जो है जब वैसे मेंबर्स जा रहे होते हैं तो चेंबर की ये फ़वायदे हैं कि हम एक रिकमेंडेशन लेटर देते हैं कि वो आपको वीज़ा लेने के लिए जो है उसके अंदर आपको सहूलत हो जाती है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह तो की चीज़ें भी है। जो हैं चेंबर से बहुत सारे बेनिफिट। तो जो पाकिस्तानी ब्राइडल है क्या ये बाहर पसंद किया जाता है? जी जी, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप देखें जो है मैं खुद भी बना के भेज रही होती हूँ। अच्छा। और मैं बल्कि अभी पाकिस्तान में तो कम, बल्कि एक्सपोर्ट का मैं ज़्यादा कर रही होती हूँ। आप यूके में चले जाएं, बिकॉज़ के यू नो इन टेक्सटाइल तो इंडिया छाया हुआ है। अब लोग जो है वो इंडियन कपड़ों से फेडअप हो गए हैं, वो वहाँ से तस्वीरें भेजते हैं कि मैडम इस तरह का हमें बना दें लेकिन पाकिस्तानी हो, तो वो स्टाइल उनका देख के, लेकिन हम अपनी डिज़ाइनिंग करके जो है। आप इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ सब पाकिस्तानी, कनाडा चले जाएं, अमेरिका, अब तो पाकिस्तानी। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज़ मार्केटिंग एंड द एक्सपोजर एंड द एग्जिबिशंस, कि पाकिस्तानी ख़वातीन बाहर के एग्जिबिशन में इतना कंफर्टेबली जाके अपना डिस्प्ले नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज़ सो एक्सपेंसिव। 4,000, 3,000, 5,000 डॉलर की हमें स्टॉल मिलती है, तो वो फिर आप देखें इतने पैसे तो जब आप स्टॉल लेने में लगाएंगे तो फिर जो है अर्निंग में सामान भी लेके जाना है, अदर ट्रैवलिंग है, वहाँ पे आपका अकोमोडेशन है। तो इस सिलसिले में अगर गवर्नमेंट कोई पैकेजेस बनाए और ख़वातीन को फैसिलिटेट करना शुरू कर दे तो आप देखें कि खातून तो कमाएंगी कमाई, तो हमारे मुल्क की भी जो है वो कितना रेवेन्यू जो है जनरेट करेगा। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि इन पे हमें फोकस होके काम करने की हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तब तक मुमकिन नहीं है कि जब हमारे इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जाके बैठेंगी, उनके बोर्ड्स में बैठेंगी, तभी जाके तो ये चेंज आएगा ना। देखें एक औरत एक दूसरी औरत के बारे में सोच सकती है। आपने देखा कि मर्द क्यों सक्सेसफुल हैं, वो इसीलिए कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। खातून तो उनको याद दूर से भी नहीं जो है याद आती। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ना तो सारे मर्द बोल लेते हैं, किसी खातून को पहले तो बोलने नहीं दिया जाता। जब 10-15 लोग बोल लेते हैं तो उसके बाद कितना टाइम बचता है, तो वो जो भी बेचारी खातून होती है जब वो बात करना शुरू ही करती है तो कहते हैं हाँ जी बस थोड़ा जल्दी से आप अपना कर लें, बस जल्दी से आप कर लें अपना। तो मतलब जब तक इस चीज़ में चेंज नहीं आएगा ना कि विमेन फर्स्ट, वो हम कहते हैं ना जी कि विमेन जो है वो है, लेकिन जब तक हम सब खवातीन मिल के वन वॉइस करके
वुमेन फर्स्ट नहीं करें कहीं पे, कैसे थी तो मैंने उनसे कहा था कि मैं तो आप लोगों से नहीं बैठूंगी जब तक आप खातून को सबसे पहले नंबर वन पे बोलने नहीं देंगे तो लेकिन बस वो कुछ अरसा ही मेरी बात सुनी, उसके बाद उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी, उसके बाद फिर हम बैंक बेंचर हो गए। तो बात ये कि जब तक वुमेन फर्स्ट नहीं होगा, सिर्फ वो जो है ना कहने में ही नहीं, तो सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन वुमेन फर्स्ट की जब तक नहीं शुरू होगी। हमारी फ़ौज में तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि कोई खातून आए तो सारे लोग, सीनियर टू सीनियर बंदा भी जो है वो इवन चीफ तक खड़े हो जाते थे, ठीक है, लेकिन सिविल में थोड़ा सा इतना वो नहीं है। सो मैम, जो हमें इस वक्त खवातीन देख रही हैं, आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं खवातीन से कहूँगी कि अब जो है इतनी हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख गई हैं, तो उन सबको चाहिए कि वो जॉब देखने की बजाय बिज़नेस की तरफ आएँ। अब हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस की अच्छी इन्वायरमेंट होती चली जा रही है। आप अपने टाइम मैनेजमेंट और कमिटमेंट और क्वालिटी का बहुत ख्याल रखें। अगर इन तीन चीज़ों के ऊपर आपने काम कर लिया तो नो डाउट कि आप जो है सक्सेसफुल ना हों। बहुत अच्छा मैसेज है, थैंक यू सो मच मैम तशरीफ़ लाने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया और हमने बैठ के इतनी गपशप कर ली। लाउंज के यही फायदे हैं। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, आज की एपिसोड आप लोगों ने देखी, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आई एम श्योर पसंद तो बहुत आया होगा, लेकिन फिर भी आपके फीडबैक्स हमारी सर आंखों पर। हम तो जा रहे हैं लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान और एक नई उम्मीद के साथ, एक नई खुशी के साथ। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते ये परवाज़ बैंड का गाना ज़रूर सुनिएगा और मेरी तरफ से और ATV लाउंज की तरफ से अल्लाह हाफिज़। Oh,